gentlemen, the seatbelt sign is now switched off. यात्रियों से निवेदन है कि अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। जो बच्चे और बूढ़े यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कृपया अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। ये कोई मेला नहीं है। हम कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं। और जो महाशय डिवाइस जीन्स पहनकर बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि तांग झांक बंद कर दे। कोई भी एयर होस्टेस आपकी गोद में आकर नहीं गिरेगी। अब तक जो भी चीजें आपको मुफ्त में प्रदान की जा रही थी, अब उसके पैसे लगेंगे। तो जितने भी मुफ्त खोर हैं, मुफ्त की चीजें खाना बंद कर दें। अगर आप हमारी सेवा से खुश हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर ना खुश हैं, तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो चलती फ्लाइट से कूद सकते हैं। धन्यवाद। Hi, this is Daniel. Welcome, How sir. Are you? Fine, sir. ISBC Bank कहाँ है? Sir, Dutch Square पर है। सीधा वहीं चलो। लेकिन सर, CM साहब आपका गेस्ट हाउस पर वेट कर रहे हैं। I will talk to Mr. CM. पहले मुझे बैंक ले चलो। गाड़ी को ISBC Bank की तरफ लो। Okay, sir. तुम लोग यूनिफॉर्म में हो, तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। मैं आता हूं। सर, वेलकम मिस्टर डेनियल अलेक्जेंडर, प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। अभी अभी मैं होम मिनिस्टर से तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। सर, सेंसिटिव केस में यहाँ की पुलिस हमेशा CBI से ही मदद मांगती है, क्योंकि वो लोग केस सॉल्व करने में असमर्थ हैं। दुर्भाग्य से इस बार भी यही हुआ। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। एक बड़ा मुजरिम है, वो पैदाइशी मुजरिम है या फिर हालात कमा रहा है, उसे तुम्हें पकड़ना है। सर, इसे केस बताओ। यस सर, मैं इस 1.5 साल में 14 संगीन जुर्मों को अंजाम दे चुका है, बिना कोई सबूत छोड़े। सर, क्रिमिनल का कोई फोटो वगैरह है या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन? कुछ भी नहीं है सर, बैंक के CCTV कैमरा तक चोरी हो गए हैं, यहाँ तक कि ऊपर लगे कैमरा भी चोर ने चोरी कर लिए हैं सर। डैनियल, ये क्या है ना कि जैसे कि चूहा जाता है अपने शिकार के पास, वैसे ही हम गवर्नमेंट वाले भी। मिनिस्टर साहब, आपको जो कहना है साफ साफ कहिए, घुमा फिरा कर मत कहिए प्लीज। हाँ, पर क्यों? क्योंकि आपकी गोल गोल बातें समझ नहीं आ रही है, इसलिए। ओ, मैं ये बोल रहा था कि गवर्नमेंट का पैसा और मेरा पैसा एक ही है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपनी है ना, गवर्नमेंट के पैसों से नया आ जाएगा। सुनो ऑफिसर सर, अब तक 14 चोरियां हो चुकी हैं, 2,000 करोड़ लूट चुके हैं। हमारे पास सबूत के नाम पे उसकी छोड़ी हुई 14 चिट्ठियां मिली हैं। जितनी चोरी हुई है ठीक उतना ही अमाउंट उस पे लिखा हुआ था। हर बार उसके हैंडराइटिंग अलग तरह की होती है। उसने मीडिया के हाथों ये सारी चिट्ठियां भिजवाई हैं। सर, अब तक जितने भी लोगों के यहाँ चोरी हुई है, हो सकता है इस चोर का उन लोगों के साथ कोई ना कोई संबंध हो। उसके खिलाफ की गई FIRs और जितनी भी फाइल्स हैं हमारे पास, अगर उन सब की छानबीन करें तो हो सकता है हमें कोई सुराग मिल जाए। डेनियल, हमारे पास उसके खिलाफ कोई FIR नहीं है। ऐसा क्यों सर? उस चोर ने सिर्फ ब्लैक मनी की ही चोरी की है। सर, हमें नहीं पता कि किसके यहाँ चोरी हुई, हमें नहीं पता कि कितने की चोरी हुई, और कोई कंप्लेन भी नहीं है। और चोरी का अमाउंट क्या है ये भी हमें मीडिया से ही पता चला है। ऊपर से ब्लैक मनी है तो इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? पैसे कोई भी कलर का हो, काला या गोरा,
पब्लिक का पैसा है ना, और गवर्नमेंट का पैसे में भी काला पैसा सफेद पैसा होता ही है। वैसे भी 2 रुपए का वड़ा पाव आज 12 रुपए का मिलता है बाबा, बिना ब्लैक मनी इतना महंगा वड़ा पाव क्यों कैसे खाएगा? सर एक्सक्यूज मी, सर मुझे ये सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ किसे पकड़ना है, किसे बचाना है, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो साहूकार खुद चोर है। सर आप मुझे तो माफी कीजिए, इस केस के लिए मैं फिट नहीं हूँ। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर हम यहाँ पर दिल से नहीं दिमाग से काम करेंगे। वी आर पुलिस, एक बार वो चोर हमारी पकड़ में आ जाए तो काला धन कहाँ से आ रहा है समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें छोटे चोर को पकड़ना होगा। यस सर। गुड। सॉरी सर। इट्स ओके। मुख्यमंत्री होने के नाते तुमसे बस एक ही बात कहनी है, इस शहर से ही क्यों पूरे देश को काले धन से मुक्त करना है, मीडिया का मुंह बंद करवाना है। उस चोर ने हमारी सरकार और हमारी पुलिस को जोकर बना के रख दिया है। मैं सही कह रहा हूँ ना मिनिस्टर साहब? 50-50 बोला जी। बिल्कुल। 4 दिन में उसका पता लगाओ और 1.5 दिन में उसको मार डालो। क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे चूहे के लिए मच्छरदानी का बिछाव करो। एक बात और, इस जगह की ना हवा कुछ और ही है। मैं तूफानों से लड़ चुका हूँ सर। यह पंखा भी तूफान छोड़ता है। ओके डेनियल सर, अगली बार जब भी हम मिलें तो ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। श्योर सर। सर आप फिक्र मत कीजिए, माना हम उस मिस्टर इंडिया को नहीं पकड़ पाए, पर देखते हैं ये डेनियल कौन से झंडे गाड़ता है। छोड़ो, वो झंडे गाड़ भी देगा तो हम लोग उखाड़ देंगे। मैं नहीं चाहता कि वो उसे पकड़ ले, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पर देखना सर, इस बार नहीं होगी, अखबार में हमारी ही फोटो छपेगी। यस सर। सर, ही इज क्राइम ब्रांच ऑफिसर फिलिपोज। इस केस की इन्वेस्टिगेशन ये और इनकी टीम कर रही है, और ये इनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर हरिहरन। सर हेलो। ये है मिस्टर डैनियल। लेट्स डू आवर लेवल बेस्ट। यस सर। आप लोग लेट हो गए, मुझे लगा डील कैंसिल तो नहीं हो गई। मैं क्लाइंट से पैसे ले रहा था। वो लोग डील के लिए रेडी है? वो लोग तो कब के आए हुए हैं। आइए हम भी चलते हैं। आइए। क्या लगता है डील हो? हाँ, सुनो, हाँ, कोई भी मेरे केबिन में नहीं आना चाहिए। जी। तुम भी तभी आना जब मैं बुलाऊं, समझे? हाँ। आइए आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो फादर, आप कुछ लेंगे? नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। तो और देरी किए बिना अपनी डील शुरू कर दे। ये हैं 10 करोड़ के हीरे। असली है ये, आपका कमीशन 10 लाख। पैसे पूरे हैं ना? डन। ओके सर। ओके। कैसे हो फ्रॉडो? Hasta la vista, baby. आवाज नहीं, नहीं तो ट्रिगर दब जाएगा। जनता का पैसा व्हाइट मनी है, लेकिन ये व्हाइट मनी नहीं, ब्लैक मनी है। सरकार को जाने बिना ये पैसा कबूतर की तरह उड़ा रहे हो, यानी इलीगल ट्रांजैक्शंस। अगर सायरन बजाया तो हम तुम्हारे लाइफ का वायर काट देगा, फेविकॉल की तरह चिपक के बैठे रहो। जो मेरा ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता उनको हम कीड़े मकौड़ों की तरह मार दे जाए। अरे देखो पुलिस आ रही है, अरे देखना। डियर मैडम, सो मिस, व्हाट्स योर नेम? शेनाई। बिस्मिल्लाह खान वाली? पावर शेनाई। पावर रेंजर्स वाला? पद्मा शेनाई। नाइस नेम। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। परफ्यूम चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर। सूंघना सूंघना और बेहोश हो जाना। नींद आ रही है? ओ, सब के सब काम चोर है, बैंक तो डूबे गए। सर, एक बात याद रहे, बैंक के अंदर ना कोई जाएगा ना कोई वहां से बाहर आएगा, समझ गए? सर, सर,
Oh, real diamond. तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर से उनको फोन करो और कमिश्नर से वही कहना जो मैं कहूंगा। अंडरस्टूड? कम ऑन, फोन लगा। जल्दी कोई एक्शन लेना पड़ेगा, 3 ऑफिसर्स को अंदर भेज दो। यस सर। सर, अगर उसके पास कोई हथियार हुआ तो हमारे ऑफिसर्स को उड़ा देगा। हेलो, हाँ कहो। सर, वो मेरे सामने खड़ा है। उसके पास कोई हथियार है? सर, उसके हाथ में एक गन भी है। सर, उसको आपसे बात करनी है। ओके, लो। हेलो कमिश्नर, अभी तक यहाँ मैंने कोई तहलका नहीं मचाया, लेकिन अगर तुमने अपनी वर्दी का रौब झाड़ने की कोशिश की तो यहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। तो मैं क्या चाहिए वो बोलो। वाओ, वेरी स्मार्ट कमिश्नर। तो मैं अपनी बकेट लिस्ट भेज रहा हूँ, एक पादरी के हाथ से पूरी कर देना। ठीक है। जब मैं बाहर आऊंगा तो मैनेजर मेरे गन पॉइंट पे होगा। ज्यादा माइलेज वाली डिलक्स कार रेडी रखना, जब हम जाएं तो कोई भी हमारा पीछा ना करे। मैं सीधे हेलीपैड की ओर जाऊंगा। टैंक फुल करवा के एसी हेलीकॉप्टर रेडी रखना। मैं भी किससे क्या डिमांड कर रहा हूँ, तुम कहाँ ये सब कर पाओगे? जब तक तुम लेटर पढ़ोगे मैं तुम्हारी नाक के नीचे से पादरी बनकर निकल चुका हूँगा। आपका बैंक लुटेरा है। ओह माय गॉड, वो पादरी कहाँ है? वो पादरी कहाँ है? वो पूछा सर। अरे पहले बताओ वो कहाँ है। आपके सामने तो गया। वही चोर था। वही था। पटो उसे। मिस्टर डैनियल, मेरा एक सवाल है, इतनी पुलिस के रहते वो पैसों से भरा सूटकेस कैसे ले गया? मैं बताता हूँ सर, प्लीज हैव अ लुक। उसके पादरी के भेस में बाहर निकलने के बाद जब पुलिस वहां पहुंची, ये तब के विजुअल्स हैं। कुछ ही मिनट्स में पूरी की पूरी मीडिया वहां जमा थी। इन्हें उसी ने इन्फॉर्म किया था। सर, इस रेड कैप पहने आदमी को गौर से देखिए। उसके पास एक बैग है जो इतना भारी नहीं है। इसका मतलब इस वक्त वो खाली है। जाहिर है। आप देख रहे हैं वो अकेला अंदर जा रहा है जबकि बाकी मीडिया बाहर ही रुकी हुई थी। अब नोटिस कीजिए, वॉशरूम से निकलते समय उसका बैग भरा हुआ है, जिसका मतलब है वो पैसा इसी बैग में है। पुलिस, मीडिया और पब्लिक की नाक के नीचे से इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया। ब्रिलियंट फेलो। अरे बाप रे, ये फुटेज मीडिया को मिल जाता तो? ओ, फिर तो हमें मुंह छुपाकर यहाँ वहां भागना पड़ता। सर, कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर? हाँ बोलो। मीडिया के पास उस दिन की जितनी भी फुटेज है, क्या वो मुझे मिल सकती है? व्हाई नॉट फिलिप। सर, इन्हें जो भी चाहिए वो अरेंज करो। ओके, श्योर सर। थैंक यू सर। गुड। यही वो सारा फुटेज है जो मीडिया ने वहां पर रिकॉर्ड किया था। पॉज। अब बैंक के अंदर का फुटेज प्ले करो। पॉज। तुमने कोई कॉमन बात नोटिस की इन दोनों विजुअल्स में? कॉमन? हमने नोटिस नहीं किया सर, मतलब मैंने नोटिस नहीं किया। ओके जूम, ये बैंक की सीसीटीवी फुटेज है। पॉज। वॉल क्लॉक को देखो, उसमें वक्त हुआ है 10:45। पहले विजुअल में रेड कैप पहने एक आदमी बाहर जा रहा है। इस दूसरे विजुअल में उसी आदमी का एकदम क्लोज शॉट है। यस यस, आई गॉट इट। Damn it! One second. Shit! इसका फेस ओवरलैप हो गया। कोई गधा सामने आ गया। सर, वो मैं था।
ओके, प्लेग्राउंड पे चलते हैं। कम ऑन गाइस। हम बैट बॉल तो लाए नहीं। इसका जी चाहे तो गिल्ली डंडा भी खिलवा लेगा। सर, उसे पहचानने में हमारे दिमाग की बत्ती क्यों नहीं जली? यार, ये मीडिया से फुटेज मंगाने का आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? मुझे वो आइडिया आया था, लेकिन मैंने दिया नहीं। अच्छा हुआ इसने टोपी वाले को पहचाना नहीं तो डीजीपी के सामने बेइज्जती होती। उस आदमी का चेहरा छुपाकर तुमने हमारी लाज रख ली। थैंक यू सर। शायद उसने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी होगी और फिर चोरी करने के बाद उस गेट से निकल गया होगा। अच्छा, यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर। देखिए ना, सारी बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है तो नो सीसीटीवी कैमरा। फिलिप। यस सर। एग्जैक्टली 10:35 वो पादरी के भेस में बैंक से बाहर निकला। हाँ। और फिर ठीक 10:43 वो रिपोर्टर बन के वापस लौटा रेड कैप पहनकर। ये सब करने में उसे लगभग 8 मिनट लगे, यानी वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। वैसे इस इलाके में आसपास कोई अंडरग्राउंड पार्किंग है क्या? हाँ है ना, इधर एक शॉपिंग मॉल है पास में, उसमें है अंडरग्राउंड पार्किंग। तो उसका फुटेज निकलवा। ठीक है। ज़ूम इन। ओके। चिची, डांसिंग कार में डर्टी पिक्चर। शट अप। सॉरी सर। वो अपने कपड़े बदल रहा है। अब जब वो लौटेगा तो पक्का कैश के साथ ही लौटेगा। इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो। ओके सर। तो ये आदमी अकेला नहीं है, इसकी मदद के लिए इसके साथ पूरी टीम है। सही कह रहे हो। स्टॉप। बैक। फ्रीज। अब फंसी मछली जाल में। गाइस, वी गॉट हिम। देश ऐसे चेहरों से भरा हुआ है। ओ, तो ये है? ओ, तो तुम जानते हो इसे? मैं उसे कैसे जानूंगा? इसे कहीं तो देखा है, बस याद आ जाए। सर, इसका नाम है जैक। वेजिटेबल्स, हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट करता है। पेट्रोल पंप्स हैं, ऑटोमोबाइल एजेंसीज हैं, सुपरमार्केट्स हैं, ऑल बिग बिजनेसेस। और रहता है जजेस एवेन्यूज में। इतने सारे बिजनेस हैं, इतना पैसा है, तो बैंक लूट के करेगा क्या? ये सब दिखाने के लिए है। वो कोई हजारों लाखों की डकैती नहीं कर रहा है, बल्कि करोड़ों की कर रहा है। कभी इंक्वायरी भी हुई कि इतना सारा पैसा कहां से आया, उसका जवाब रेडी होगा कि इन सभी बिजनेसेस से आया। सर सुनिए, उसे पहचान ही लिया तो जाके अरेस्ट कर लेते हैं ना। सबूत क्या है? ओह, देखो, ये सीसीटीवी फुटेज सबूत नहीं हो सकता, वो इजीली बच जाएगा। ये बात आप भी मानेंगे सर? हाँ, वो तो है। हमारे पास सॉलिड एविडेंस होना चाहिए। तो फिर उसके घर पे रेड करवाते हैं ना, कोई ना कोई सबूत तो निकल ही आएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा करने से वो अलर्ट हो जाएगा। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा तो ठीक है, फिर हम उससे कहेंगे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। हाँ, हाँ, पर ये आइडिया अच्छा है। सो Excuse me. हेलो,
एक्सक्यूज मी, बोलिए कौन है आप लोग? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा, हमारे पास सर्च वारंट है। ऐसा है तो आइए अंदर, जैक को बुलाइए। साहब को उठने में अभी 10-15 मिनट लगेंगे, परेशान मत कीजिए। इतने बड़े बंगले का मालिक है पर बाहर वॉचमैन की तरह सो रहा है। सुनिए, वो ध्यान मग्न है। पेड़ के नीचे ध्यान, इस युग में एक और बुद्धा। बुद्धू, शट अप। सॉरी सर। आप लोग खड़े क्यों हैं? अंदर आइए, आइए। कम। ओके सर। सॉरी, बहुत ही गहरे ध्यान में लगता है। अरे सो गया होगा सर। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? एक कप कॉफी। मेरे लिए ग्रीन टी। मेरे लिए एक ग्लास मसाला दूध। मुझे कड़क चाय। ठीक है ठीक है, सब बना दूंगा, लेकिन खुद आकर लेना पड़ेगा। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छे से देखा ना, बाकी कमरे देखो जाओ। ओके सर। कौन है ये लोग? इनकम टैक्स से लोग आए साहब। ओ, इस घर में क्या मिलेगा उनको? भगवान जाने, ढूंढने दीजिए उनको। जूस कॉफी सब कुछ लाकर रख दिया, यहाँ से निकल जाता हूँ, कहीं कुछ और ना मांग बैठे। प्लास्टिक नहीं, कांच है। मस्त है। क्या फायदा इतनी दौलत होने का, गरीबों की तरह जमीन पे ही सोता है। अरे कुछ मिला कि नहीं? नहीं कुछ भी नहीं। मिलेगा, अच्छी तरह ढूंढो। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हेलो जेंटलमैन। हाय सर। प्लीज सिट। डीवाई एसपी फिलिपो। मैं जैक। और क्या चल रहा है टीवी पे? हैं कुछ नहीं, वही अपना संडे स्पेशल। संडे स्पेशल। मतलब हम यहाँ हर कमरे का वीडियो देख सकते हैं क्या इस टीवी पर? विस्की पीने का बहुत शौक है। अरे वो सुबह रेड के लिए घर से जल्दी निकला ना, तो घुटने के दर्द की होम्योपैथी की दवाई लेना भूल गया था, और डॉक्टर ने कहा था कि कभी अगर इमरजेंसी में दवाई लेना भूल जाओ तो एक छोटा सा। That's nice. तो अभी दर्द कैसा है? अब ठीक है। सुनकर अच्छा लगा। कोई और बीमारी तो नहीं है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आई मीन बाल तोड़ वगैरह? जी जी नहीं, उबले हुए अंडे की तरह बैठे हो ना इसलिए। ये तो मेरा स्टाइल है। ओह फैंटास्टिक स्टाइल, कीप इट अप। ये कोई वाइन ग्लास है क्या? मस्त है, डिजाइन बहुत अच्छा है। ये पत्थर क्यों रखा है? ओह साबुन है, मुंह धो लेता हूँ, किसी और के घर आया हूँ ना, साफ सुथरा लगना चाहिए। चिंदी। इस घर में भूत है। सारा इंपोर्टेड माल है। क्या खुशबू है। ये क्या? देखा देखा कितना भोला है ये। पता नहीं इस आदमी ने कहां कहां कैमरे लगाए हुए हैं, मैंने तो सुसु भी किया था। क्या? व्हाट? मतलब कैमरा बढ़िया है सर। ओह इंपोर्टेड लेंस जो है। गुड जोक। तुम्हारी टीम अच्छी जांच कर रही है। कैसा झाग वाला परफ्यूम था। हेलो सर।
आइए, ये महाशय तो बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं। कुछ ज्यादा ही। सच में? सर एक बात बताऊं, ऊपर ड्रेसिंग रूम में सारी इंपोर्टेड चीजें हैं। मैंने एक क्रीम लगाई, सारी झुर्रियां निकल गई। हाँ, देखा मैंने, सब टीवी पे दिख रहा था। अरे वाह, बहुत जल्दी वायरल हो गया। सुनिए, आपके मुंह पे जो लगाया वो फेयरनेस क्रीम नहीं है, तो फिर सफेद जूते पॉलिश करने वाला व्हाइट क्रीम है। ओ तेरी, तभी तो इतना जल रहा है, अब ये कैसे ठीक होगा? एक काम कर, सफेद जूता मुंह पे रगड़ ले। सच में? देखा, आज कौवा हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा है। सॉरी सर, हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली थी। आपको तकलीफ देने के लिए सॉरी। इट्स ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखिए सर, दिल से सॉरी, हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली और हमने आपको तकलीफ दी। ओके, वो मैडम ने भी तो यही बोला। नहीं नहीं नहीं, ये ऑफिशियल माफी है, मैं ऑफिसर हूँ। ओके जैक, यू एंजॉय योर डे, मिलता हूँ फिर कभी। एक विस्की का बॉटल भिजवा देता हूँ। नहीं, फिर कभी सर। थैंक यू सर, सी यू। जाओ छोड़ दो। ठीक है। कम ऑन कैच जैक। गाइस यू कैरी ऑन। सर इतनी रात को यहाँ? इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और तुम यहाँ पर खेल रहे हो, मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्या सर? ये घर पे रेड क्यों पड़ी थी? सर उन लोगों को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा होगा, कुछ तो गड़बड़ है। तुम कुछ दिन कहीं और चले जाओ, मैं पता लगाता हूँ, और जब मैं कहूँ तभी लौटना। सर छोटी सी बात है, इतना टेंशन मत। ये बात ही टेंशन वाली है। ठीक है, इस संडे को मैं निकल जाऊंगा। नहीं, कल सुबह ही। तो ठीक है, मैं कल गोवा चला जाता हूँ। आजकल कुछ ज्यादा ही गोवा के चक्कर काट रहे हो। गोवा की पार्टी की बात ही अलग है सर। ओह। सॉरी, इट्स ऑल राइट। फाइव। हाँ? उस बॉक्स में फाइव। थैंक यू। सेवन। हो गया। सब ठीक है ना? वो असल में लाइफ में फर्स्ट टाइम पजल सॉल्व कर पाई हूँ, इसलिए एक्साइटेड हो गई। गुड, अच्छी बात है। तो कहाँ जा रही हैं आप? गोवा। ओह, क्या करती हैं आप? मैं फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। ओह, आप गोवा में ही रहती हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं अपने दोस्तों से मिलने गोवा जा रही हूँ। ओह आई सी। आई एम सुष्मिता। आई एम जैक। Welcome to Goa. Nice meeting. Same here. Claro que sí. Sí, señor. Good morning. Good morning. My room number? 405. Claro que sí. Hi. Hi, sir. Room is ready? Yes. Thank you. Welcome, sir. Keep the change. Thank you, sir. Welcome. Hello. पहचाना? Airport? Oh, Sushmita. हाँ. बैठिए.
थैंक यू। अगर खाते वक्त किसी की कंपनी मिल जाए तो खाने का मजा दुगना हो जाता है। ओह सॉरी, वैसे मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, मुझे एक अर्जेंट काम के लिए निकलना है। यहाँ कोई है जो तुम्हें कंपनी देगा? कोई है? ओह वाओ, ये तो पीटर है। अच्छा मौका है टांग खींचने का। इसके फैंस कितने ज्यादा हैं? हाँ, क्योंकि ये बहुत फेमस है, द वर्ल्ड फेमस वियतनामीज सिंगर, पॉप सिंगर। अच्छा, मैं ज्यादा गाने नहीं सुनती हूँ। कोई बात नहीं। सर, एक सेल्फी प्लीज सर। मैं भी इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसे देखकर यकीन नहीं हो रहा है। ओह, मैं अभी आया। हाँ ठीक है, रख दे, सही है। रुकिए, आगे नहीं जा सकते। मिस्टर पीटर, एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज। हाँ हाँ, ए उसे। थैंक यू, आई एम जैक। हेलो जैक। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी सारी मूवीज देखी। आपका स्टंट तो वाकई में कमाल का है। आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो एक सेल्फी ले सकता हूँ? हाँ वीडियो ले लेना। थोड़ा मुस्कुराई। थैंक यू सर। वो लड़की दिख रही है, वो मेरी फ्रेंड है। हाय हाय। उसे आपके गाने बहुत पसंद है। गाने? ऑफ कोर्स। अपन के गाने? हाँ। अपन कब गा रहे हैं? पर वो तो कह रहे थे कि उसने आपके सारे गाने सुने। कुछ तो झोल है बिडू, अपन तो सिर्फ बाथरूम में गाता है, तो ये छोकरी ने कैसे सुन लिया? आपने जोर से गाया होगा ना, इसीलिए लीक हो गया होगा। एक कॉल आ रहा है। हाँ बकबे, अपन इधर गोवा में मचा रहे हैं। अरे इधर गोरी बहुत आती है ना, तो बीच में बैठ के आंखें सेक रहा हूँ मस्त। अरे अरे आना बंटा है, साथ मिलकर धमाल करेंगे। अरे इधर मस्त हवा आ रही है, मूड भी मस्त बन रहा है, समझाना तू। बोले तो टिकट पार्सल करू क्या? अरे वो छोकरी बाजू में आके बैठ गई लिए। इसके लिए एक गाना गाइए ना। अबे नहीं नहीं पागल है, इधर अपन गाना नहीं गा सकते। अबे गाना गाने के लिए मूड चाहिए, अपने को नोबडी डाउन होना मांगता है, तो अपन नहीं गाएगा। सर जस्ट वन सॉन्ग प्लीज। नहीं नहीं नहीं, अच्छा तू इतना टच कर ली तो गाता हूं। दो लाइन ओके, मूड बन गया तो चार लाइन, और अपन होश खो बैठा तो छह लाइन। ठीक है। अपन रस्ते से जा रेला था, अपन चाइनीज भेल खा रेला था, अपन कुल्फी मचा रेला था। अरे रस्ते से जा रेला था, चाइनीज भेल खा रेला था, कुल्फी खिला रेला था। तेरे को डिसेंट्री हुई तो अपन क्या करे, तेरे को डिसेंट्री हुई तो अपन क्या करे, तेरे को डिसेंट्री हुई तो अपन क्या करे। डियर फ्रेंड्स, आज इस क्लब में हम चेस कंपटीशन रख रहे हैं। जो पार्टिसिपेट करना चाहता है उन्हें पर है 2500 देने होंगे, और अगर आप जीत गए या फिर कंपटीशन टाई हो जाता है तो आपको मिलेंगे 25,000। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड एंजॉय योर टाइम इन माय क्लब। हे यू, आप खेलना चाहेंगी? नहीं। कम ऑन यार, कोई तो आओ। हे बड़ी, नो थैंक्स। ट्राई तो करो, दम ही नहीं है किसी में। ठीक है। हे मैन, आप ट्राई करेंगे? हाय। अपने बात को पूछ लो। हाय सुष्मिता। हाय। कल की शाम पीटर के नाम कैसी रही? कल की शाम? हाँ। तुम मेरी टांग खींच रहे थे ना? बिल्कुल नहीं। तुमने बताया था कि वो वियतनामी सिंगर है। वियतनामी पॉप सिंगर? वियतनामी पॉप सिंगर, मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ चुकी हूँ। पता चला कि इंडिया का नंबर वन फाइट मास्टर है। तुम्हारे जाने के बाद उसने वहाँ सबको धो डाला। तुम्हें देखकर लगा कि तुम बोर हो रही थी, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी थोड़ी टांग खिंचाई करें। एक्सक्यूज मी ब्रो, आप ट्राई करना चाहेंगे? ओनली 2500 पे करने हैं और 25,000 आप क्या हो सकते हैं, ट्राई कीजिए। एक सेकेंड, चलो ना एक गेम खेल ही लेते हैं। टांग खींचने का नया तरीका? नहीं 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 नहीं, मैं सच में पूछ रहा हूँ। पर मुझे तो चेस खेलना ही नहीं आता। सीरियसली? नहीं आता? गुड, यही तो गेम की पहली शर्त है। एक्सक्यूज मी ब्रो। यस ब्रो, ये मेरी फ्रेंड है और एक्सेलेंट प्लेयर है। ओह रियली मैन, तो फिर तो आपको ट्राई करना ही चाहिए। हां करो, मुझे तो खेलना ही आता। नो नो नो, ज्यादा सोचो मत, तुम ही जीतोगी। कम ऑन, एक बार ट्राई तो करो। ट्राई कीजिए। अच्छा दोस्त, एक बात बताओ,
क्या एक खिलाड़ी एक ही वक्त पर दो खिलाड़ियों के साथ खेल सकता है? खेल सकता है, पॉसिबल है ना? पॉसिबल है, इनके और आपके मिला के 5000 होते हैं, देन यू कैन प्ले। वाह, दैट्स ग्रेट। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। नो नो नो, डोंट टेक टेंशन, मैं पे करूंगा। 2500 प्लस 2500, ये लीजिए 5000। वी हैव गॉट अ न्यू प्लेयर हु हैज डबल अप द गेम। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन। ये क्या बचपन है जैक, मुझे घोड़े और ऊंट का फर्क तक नहीं पता है, तुम्हारे 5000 डूब गए। रिलैक्स सुष्मिता, देखो वहाँ दो टेबल्स हैं और दोनों टेबल पर अलग अलग प्लेयर्स बैठे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। ऑल द बेस्ट। मेरी इज्जत का तो फलूदा बनने वाला है। टेंशन मत लो, गेम पर फोकस करो। पहले प्लेयर के साथ तुम्हारे शतरंज के मोहरे काले होंगे और दूसरे प्लेयर के साथ सफेद होंगे। गेम स्टार्ट होने पर तुम्हारे सामने वाला खिलाड़ी जिसके पास सफेद मोहरे हैं वो अपनी पहली चाल चलेगा, लेकिन तुम्हें अपनी चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी। लगना चाहिए जैसे तुम बहुत गहरी सोच में हो और फिर उठकर अपने दूसरे खिलाड़ी के साथ खेलने जाना। हाय। वहां तुम्हारे मोहरे होंगे सफेद। अब सफेद मोहरे के साथ जो पहले खिलाड़ी ने चाल चली थी बिल्कुल वही चाल तुम इस खिलाड़ी के सामने चलोगी। अब काले मोहरे वाला खिलाड़ी अपनी चाल चलेगा, वो चाल याद रखना और वही चाल अपने पहले वाले खिलाड़ी के सामने चलना। समझ गए ना? असली गेम तो उन दोनों के बीच चल रही है, तुम तो सिर्फ उनके दिमाग के साथ खेल रही हो। वेरी गुड। वाओ, इट्स अ ड्रॉ। Yes. Draw. Huh? Excellent. Yes. Yay. Yeah. Hi, bro. Huh? Draw hua. Huh? Winning prize 25,000. Thank you. वाह सर, मैडम तो चैंपियन निकले। मैंने कहा था ना, कांग्रेट्स। कैसे हार गए तुम लोग? कायदे से ये पैसे तुम्हारे हैं। नहीं, नहीं नहीं, मैं सिर्फ मेरा हिस्सा ले रहा हूँ, बाकी सब तुम्हारे हैं। वैसे क्या करोगे इन पैसों का? सोच रही हूँ कि मॉम डैड के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लूं। आफ्टर ऑल पहली बार कुछ जीता है। बहुत अच्छी बात है। वैसे घर पे कौन कौन है? हम तीन लोग ही हैं, मॉम और डैड दिल्ली में हैं, पापा वहीं जॉब करते हैं। दैट्स नाइस। तुम कहाँ रहते हो? मेरा क्या है, मैं एक आजाद पंछी की तरह हूँ, जहाँ जाता हूँ कारवां अपने आप बनता चला जाता है। उसमें तुम भी मिल गई। अब ये कारवां कहाँ जा रहा है? कुछ सोचा नहीं है। वैसे आज एक एग्जीबिशन है, आना चाहोगी? हाँ, व्हाई नॉट। ग्रेट, तो फिर चलो। चलो। कितना छोटा सा है ना? इतना छोटा सा है तो ज्यादा महंगा तो नहीं होगा? 2 करोड़ का है, पर कोई डिस्काउंट नहीं है। वाह, खूबसूरत है। इस म्यूजियम में एक्सक्लूसिव डायमंड्स का कलेक्शन है, हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये इनके शाही घराने के हैं। ये नेकलेस देख रही हूँ, 17th सेंचुरी के दौरान फ्रेडरिक नाम का एक स्वीडिश राजा था जिसने अपनी माशुका को ये तोहफे में दिया था। इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकती हो? इंडियन करेंसी में 16 करोड़। 16 करोड़ का नेकलेस? हेलो। खाने रही हो? एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि वो राजा अपनी माशुका के लिए कितना पागल होगा, तभी तो उसके लिए इतना महंगा नेकलेस लिया होगा। अभी भी वही हो तुम, पसंद आया तो खरीद लो। इतने पैसे होते तो यहाँ थोड़ी होती, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे चुरा लूँ। चोरी? और तुम, वो भी म्यूजियम से। सिक्योरिटी ऐसी है कि एक मच्छर भी नहीं घुस सकता। तुमने देखा नहीं, सारी ज्वेलरी कांच से पूरी तरह से कवर्ड थी। अगर तुम उसके पास जाकर जोर से सांस ली तो प्रेशर से सेंसर अलार्म बज जाएगा। तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो?
आसपास क्या हो रहा है उसकी खबर रखनी चाहिए। गूगल बाबा से पूछो, सब बता देते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, कब तक हो यहाँ पे? जैक। हे! मेरे को मामू बनाएगा तू? 50,000 जो मुझसे लूटे वापस दे। वो तो हमने गेम में जीते थे ना। हाँ, चीटिंग करके जीते हो ना, मेरा पैसा वापस कर वरना तेरी लवर का गला चीर दूंगा। मैं उसकी कोई लवर थोड़ी हूँ, हम दोनों तो बस अभी अभी ही मिले हैं। ज्यादा नाटक नहीं, यहीं काट दूंगा, चुपचाप पैसा दे और इसे लेकर जा। कहा था ना मैं उसकी लवर नहीं हूँ, देखो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पैसा तू दे, इसे तो हटा दो, मेरे पास सिर्फ आधे पैसे हैं। ये कहाँ गया? कहाँ गया वो? मुझे क्या पता। सोच रहा था कि आज इसे प्रपोज ही कर दूं, तूने आके सारा खेल ही खराब कर दिया। पॉपकॉर्न खाओ और शो का मजा लो। जो जो इसके साथ आया ना, इनसे माफी मांगो और कल दिखाओ। चलो चलें। नहीं, नहीं। ये कोई खिलौना नहीं है छोटे। सॉरी। जा केक काट। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ वो एग्जीबिशन की बात कर रहे थे ना। सर इज अ ट्रेन्ड फाइटर। कैसे कह सकते हो? उसके स्टाइल से। हाँ। ये मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। और इसके साथ ये लड़की कौन है? शायद वो इसी लड़की से मिलने गोवा गया होगा ना। शायद। सर जितनी जल्दी हो सके आपको सारी डिटेल्स पहुंचा दूंगा। देखते हैं। ओके। आई विल डू माय लेवल बेस्ट सर। हाय सुश। हाय। तुम वापस आ गई? हाँ, कब की आ गई, और मैं अभी टाउन में ही हूँ। टाउन में तो मैं भी हूँ, तुम कहाँ हो? एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। एक्चुअली चर्च रोड पर एक बड़ा सा वाटर टैंक है, ठीक उसके सामने हूँ। ओके, अब वहाँ से एग्जैक्टली 16 कदम साउथ की तरफ चलो, शुरू करो। हाँ? किस लिए? अरे पहले तुम चलो तो। 13, 14, 15, 16 अब वहाँ से लेफ्ट में 15 कदम और चलो। 1, 2, 14, 15 हाँ। अब लेफ्ट की ओर एक रास्ता दिखाई दे रहा है? हाँ। 5 कदम आगे बढ़ो। 1, 2, 3, 4, 5 अब राइट में 3 कदम और, बस सीधे सीधे चलती जाओ। कितना हुआ? 12, 13 मैं थक गई। अब अपने राइट साइड देखो। हाय। हे। ये कैसे? मुझे तो लगा था कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। इतना परफेक्ट डायरेक्शन कैसे? ये मेरा अपना शहर है। इसकी हर गली नुक्कड़ से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यहाँ तक कि बंद आँखों से मैं इस शहर का पूरा नक्शा बना सकता हूँ।
GPS. No, JPS. Jack Position System. एक ऐसा सिस्टम जो सीधे तुम्हें जैक के पास लेकर आता है। फिर भी इतना। अरे छोड़ो, पहले ये पकड़ो और दिमाग पर जोर मत दो, माइग्रेन हो सकता है। तुम्हें कबूतर बहुत पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। लगता है तुमने कभी कबूतर की खूबियों के बारे में नहीं सुना। 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी उन्हें पूरा रास्ता याद रहता है। इसीलिए पुराने जमाने में एक शहर से दूसरे शहर चिट्ठी भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। और वैसे भी कबूतर प्यार का प्रतीक होता है ना? और शांति का प्रतीक भी। हाँ, जहाँ प्यार है वहाँ शांति तो होगी। वैसे तुम्हारी स्कूटी कहाँ है? वो उस तरफ है। ठीक है, तो मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ और तुम मुझे फॉलो करो। ठीक है। एलेक्स। हाँ सर। इन्हें पिंजरे में रख दो। ठीक है। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर घर है। इतने बड़े घर में अकेले? इस सवाल का जवाब होगा नहीं। मेरा ध्यान रखने के लिए इतने सारे लोग हैं ना। आओ, ये हैं रामू काका। नमस्ते। ये मेरी दोस्त है सुष्मिता, फोटोग्राफर। हाँ, आप अंदर आइए, मैं चाय बनाता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं बनाता हूँ जैक स्पेशल। ठीक है, तो मैं भी बनाऊंगा। तुम आराम से बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। ओके। अरे आओ। जैक स्पेशलिटी। थैंक यू। कैसी लगी? बहुत बढ़िया। चाय कैसी भी बनी हो, जब तक मजे लेकर नहीं पियो चाय का स्वाद नहीं मिलेगा। मैं दिखाता हूँ। देखो, ऐसे कप उठाओ, बाद में चुस्की लो। एक बार करो। मैं अपने स्टाइल में पीती हूँ। ओके। बिल्कुल ऐसे। आओ। ये तस्वीर किनकी है? मेरे भैया और भाभी हैं। भीड़ ने गुस्से में आकर पुलिस पर हमला किया, चार पुलिसकर्मी घायल हैं। मीडिया से बात करते वक्त जोगी कामले ने कहा कि इस हमले के पीछे जो भी दोषी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के खिलाफ नाइंसाफी होगी तो हमारे साथ नाइंसाफी है। सरकार अगर दोषियों को छोड़ देगी तो हमारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, हम लोग अंदर हो जाएंगे। जब जब नाइंसाफी होती है तो इंसाफ पैदा होता है, और अभी भी पैदा होगा। बेचारे पुलिस वाले, क्राइम करते हैं कोई और, सजा भुगतते हैं ये लोग। पुलिस अगर ठीक से ड्यूटी निभाती तो ऐसा नहीं होता। पुलिस अगर कुछ करना भी चाहे तो ऐसे पॉलिटिशियंस उनके हाथ बांध देते हैं। हाँ, हाँ, वो भी है। 10 से 20 हजार करोड़ का घपला तो आजकल आम बात हो गई। सभी जानते हैं कि ये स्कैम्स पॉलिटिशियन ही कर रहे हैं, पर मजाल है कि कोई इन्हें चोर कह सके। यहाँ की जनता में इतनी हिम्मत नहीं है। सही कहा ना, आज की तारीख में 90% फाइनेंशियल क्राइम्स बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के जॉइंट वेंचर से ही होते हैं। मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना, तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ। अच्छा। कल बीच रोड पे रवांडा होटल के अंदर एक डील होने जा रही है। उस होटल में ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होने जा रहा है। पैसे लेने वाला कौन है जानती हो? कौन है? स्टेट का होम मिनिस्टर जोगी कामले। जोगी कामले? हाँ। नहीं, मजाक मत करो। नहीं, तुम्हें मजाक लग रहा है? जोगी कामले पुलिस प्रोटेक्शन में पैसे लेकर जाएगा। अगर तुम में हिम्मत है तो पुलिस को इन्फॉर्म करके डील रुकवा दो। शर्त लगाओ। ठीक है, चलो इसी बात पर शर्त लग गई, जो जीतेगा वो आइसक्रीम खिलाएगा। हाँ, ये सही है, आई लव आइसक्रीम। तब तो सही शर्त लगी। लेकिन फिर भी तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? पता होना चाहिए, आखिर मैं भी इस देश का नागरिक ही हूँ। तब तो गारंटी मैं पुलिस को ये बात बताऊंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। इसे अंदर गए काफी टाइम हो गया है, अब तक बाहर क्यों नहीं आई? मुझे जाके देखना ही पड़ेगा।
कोई आवाज नहीं आ रही, चली गई क्या? आप पुलिस वाले हैं? नहीं नहीं। तो फिर ये टोपी और यूनिफॉर्म? ओ, टोपी। यस। अब मैं एक पुलिस वाला हूँ। आप सुबह से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका पीछा? नहीं नहीं। अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन दूँ तो क्या आप एक्शन लेंगे? बिल्कुल लूंगा, पुलिस ऑफिसर हूँ। कल बीच रोड के रवांडा होटल में एक ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होने वाला है। और वो डील हो रही है होम मिनिस्टर के साथ। वो कौन है? होम मिनिस्टर नहीं जानते? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं नहीं जानता मम्मी, कसम। अरे होम मिनिस्टर जोगी कांबले। जोगी कांबले अपना मिनिस्टर। सर आप जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर्स को दे दीजिए। ठीक है, एक मिनट। याद से कीजिए। अभी तुम्हारे सामने फोन लगा तो है, कहाँ जा रही हो? जाने दो मुझे, क्या हेलो। हाँ भाई, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं सर, लेकिन वो मेरे बारे में सब जान गई। क्या मतलब? कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। सुनिए सर, उसने मुझे खबर दी। कौन सी खबर? सर, सर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। सर कल बीच साइड रवांडा होटल में होम मिनिस्टर का ब्लैक मनी आने वाला है। What are you saying? Yes, sir. जैक के साथ वो लड़की थी ना गोवा में, उसने हरी को बताया। पर ये सब उसने हरी को क्यों बताया? वो तो लड़की जाने या हरी। लड़की के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो ये उसे जैक से ही मिली होगी। फिर तो 100% वो नहीं आएगा सर। क्यों आएगा? हो सकता है कि खबर गलत है। मान लो अगर बिना जैक को बताए उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है तो मेरा इंट्यूशन कहता है जैक वहां पक्का आएगा। गाइस, मिनिस्टर अपने इस गेस्ट हाउस से निकलेंगे और पैलेस रोड से होते हुए होटल रवांडा तक पहुंचेंगे और वहां पैसों का ट्रांजैक्शन होने के बाद अगेन सेम रूट से गेस्ट हाउस लौटेंगे। पैसा चोरी करने के उसे दो मौके मिलेंगे, पहला होटल के अंदर, दूसरा रोड पर। सर रोड पे कैसे? देखो रोड पर उसके लिए आसान होगा क्योंकि वहां उसे सिर्फ पुलिस का सामना करना होगा। सही कहा, होटल में तो सिक्योरिटी वगैरह होगी ना। एग्जैक्टली। मिनिस्टर के होटल से निकलते ही कुछ भी हो सकता है, तो ये पूरी टेरिटरी हमारे कंट्रोल में होगी। क्लियर? यस सर। अगर वो आया तो वापस नहीं जाएगा। अगर गिर गया तो प्राइवेट अस्पताल में सरकारी खर्चे पे इलाज कराना। दरवाजा खोल। सब बराबर है ना? ठीक है सर। चलिए सर। मिनिस्टर को अरेस्ट कर ले क्या सर? मिनिस्टर क्यों? अबे हम जैक को पकड़ने आए हैं जो बैग चुराने आएगा। ये तो भूल गया, लेकिन मिनिस्टर को मंत्री को पकड़ेगा तो नौकरी से जाएगा, चोर को पकड़ेगा तो प्रमोशन मिलेगी। तुझे क्या चाहिए? सर चोर तो दोनों ही है ना, पर एक को तो हम ही ने वोट दिया है। सर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ठीक है, इनके पास एक बैग है, उन पर नजर रखो। ओके सर। अरे रुक क्यों गए? यहाँ पुलिस है। अरे वो हमारी सिक्योरिटी के लिए है, गधे चल तू। गधे पाले महीने। सर वो लोग निकल गए। कॉपी इट, फॉलो देम। ओके सर, चल चल गाड़ी निकल। वो देखिए वही जैक की कार है। सर जैक यहाँ पर है, वो हमारी गाड़ी के सामने है। फिलिप उसे हर हाल में पकड़ना है, बी अलर्ट। ओके सर, भगा भगा भगा। हेलो, बाप रे सच बात है, सेंट्रल इंटेलिजेंस वाले चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे। इनके पास टाइम पास करने के लिए हम ही मिले। अरे सरकार ने हमको गले लगाया तो हमने सरकार के पैसों को गले लगाया है। अरे गाड़ी रोक, प्रेशर बढ़ रहा है। धीरे कर, जैक की गाड़ी पे ध्यान देना है हमें।
तुम एक काम करो, पुलिस जीप में बैठो, सरकारी खर्चे पे यहाँ से दौड़ते दौड़ते निकल जाओ। किस रास्ते से जाऊँ? मैं गूगल मैप में बताऊँ? मैं जाता हूँ। वे अकेले क्यों उतरा रे? क्या हुआ सर? तेरा बाप लेके जाएगा। इसे भी ले जाना है? अरे इसको छोड़ो, मुझे गोद में बिठा के ले जा। सर मैं जाता हूं। अरे जा रे गधे। ये बैग लेके कहाँ जा रहा है? गाड़ी गेस्ट हाउस लेके चलो। ओह माय गॉड, फिलिप मेरी बात ध्यान से सुनो। पैसे पुलिस जीप में शिफ्ट कर दिए गए हैं, तुम जीप को फॉलो करो। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? जब चोर मंत्री के पीछे जा रहा है तो हम जीप के पीछे जाके क्या करेंगे? मैंने तुम्हें जो ऑर्डर दिया है उसको फॉलो करो, जीप का पीछा करो। सर जीप के पीछे किसी और को भेज दो ना। किसी और को भेजूंगा तब तक देर हो जाएगी। कम ऑन मैन। सॉरी सर, राजेश को बोलो जीप का पीछा करेगा। दैट्स इट फूल्स। सबको अलग दिशा में भेज के चोर को खुद पकड़ेगा और तारीफ पाएगा, और हम ताली बजाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सर। मुझे एक शक है। किस बात का? कहीं डैनियल ही तो चोरियां नहीं करवा रहा? ए, ऐसा नहीं हो सकता। मंत्री तो वो साइड गया, चोरी कैंसिल हो गई क्या? एक बात कहूं सर, मिनिस्टर को छोड़ते हैं, जैक का पीछा करते हैं। चुप हो जा। रोक 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 सर, साइड में लगा। वो जैक नहीं है, वो कार में ही बैठा होगा, मैं देख के आता हूँ। तू यहीं रुक। मैं जाता हूँ ना। क्या हुआ सर, वो गाड़ी में नहीं था? गाड़ी खाली है। क्या रिपोर्ट है सर? वो मंत्री साहब गेस्ट हाउस में पहुंच गए। और जैक? कौन जैक? मेरा मतलब गाड़ी में जैक नहीं था। आप बोलो तो चीफ को फॉलो करो। यही तो करने को कहा था। यस सर। यू शुड हैव लिसन टू मी। कंटोनमेंट रोड पर 5 बाइकर्स हैं, उनमें से एक जैक है, किसी भी तरह ब्लॉक्ड है। कॉपी सर। हरी अभी के अभी कंटोनमेंट रोड चल। ठीक है, जल्दी। तुम लोग उस तरफ जाओ। सब इस तरफ आ जाओ। तुम लोग 3 बाइक्स पकड़ो, हम 2 को पकड़ेंगे। ठीक है, वो आ रहे हैं, अलर्ट रहो। ये क्या? ये तो बाइक रैली है सर। उसने 5 बाइक्स कही थी, 500 बाइक्स। 500 ही बोला होगा। Thank you.
Very soon. Good morning. Good morning. Sir, वो सारे bikers अलग अलग bikers clubs के member थे. उनका इस चोरी से कोई connection नहीं है sir. जानता हूँ. अच्छा. DGP sir कहाँ हैं? Minister साहब से मिलने जा रहे हैं. Good morning. Sir. मिनिस्टर साहब ने बुलाया है कल वाली चोरी के बारे में बात करने के लिए. उन्हीं का पैसा था ना सर, इसीलिए टेंस हो रहे हैं. एग्जैक्टली. पर एक बात पता है सर, जैक ने मीडिया को बता दिया कि टोटल पैसे कितने चोरी हुए. सर जैक अकेला नहीं है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है उसके साथ. ये एक सोचा समझा प्लान था और बदकिस्मती से हम फेल हो गए. आई एम सॉरी सर, पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ. क्यों? आपके डिपार्टमेंट से मुझे फुल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मिला होता तो उसे अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाल चुका होता. ये एक सुनहरा मौका था जिसे हमने खो दिया. ऐसा मौका शायद फिर ना मिले. मौके मिलते नहीं है सर, हमें बनाने पड़ते हैं. पर एक बात है सर, इस टीम पर टोटल कंट्रोल अगर मुझे मिल जाए तो हम उसे आसानी से धर सकते हैं. यस, आई अंडरस्टैंड. फिलिप कहाँ है? वो आ ही रहे होंगे सर. आते ही मेरे पास भेज देना. सर. डैनियल. सर. ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए. सर. अब आएगा मजा. सर. ये गड़बड़ क्या चल रही बाबा? क्या हुआ सर? बाहर से एक ऑफिसर इसलिए बुलाया गया क्योंकि यहाँ की पुलिस काम नहीं करती है ना, फिर भी यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं. इस चोरी में आपका कुछ चोरी हुआ सर? नहीं, मेरा तो एक भी रुपया भी चोरी नहीं हुआ. तो किसका पैसा चोरी हुआ सर? मेरे ये पैसा किसका? मेरे सरकारी आदमी का. लाख का या करोड़? एक रुपए का सिक्का जो बचपन में इसके बाप ने इसे दिया था. मैंने बोला ना ये फाइल का मोहरत नहीं है. हाँ, इसके पर दादी ने दिया था. इसकी नजर में वो सिक्का 1 करोड़ रुपए से कम नहीं था. वो यही सिक्का एक अनाथ आश्रम में दान देने के लिए जा रहा था कि एक चोर ने चुरा लिया बाबा. उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? 1 रुपए की चोरी की कंप्लेंट कौन सा पुलिस वाला लिखेगा? हाँ, ये बात. आप भी प्रैक्टिकल बात करो, उसे आप मेरा ही पैसा समझो. मेरा नहीं, मेरे पीए का. वो भी तो एक सरकारी आदमी है ना बाबा. इतना कुछ हुआ ये क्यों नहीं बोल रहा सर? सरकारी आदमी मुँह कहाँ खुलता है? चोरी के बारे में ये क्यों नहीं बोल रहा? कैसे बोलेगा, गूंगा है ये. गूंगा है? तेरी दादी का 1 रुपया सिक्का मैं तुझे ढूंढ के दूंगा. मैम दादी का 1 रुपया खो गया. बस 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 बस, चल जा चल. उसे आप जल्दी से जल्दी पकड़ लो. हम उसे ही ढूंढ रहे हैं सर. बहुत अच्छे. अरे बोला ना, फाइल का मोहरत नहीं है. खराब है, तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? सड़क ऐसे पार करते हैं? आपने गाड़ी क्यों रोकी भाईजान? मैं तो मरने के लिए ही आई थी. ये भी सही है, मेरी ही गाड़ी मिली थी तुमको. पुलिस की गाड़ी के नीचे मरूंगी तो कोई केस तो नहीं बनेगा? ओ, ये बकवास किसने बताई तुमको? क्या प्रॉब्लम है, कौन हो तुम? मेरा नाम फातिमा है. हिजबुल्ला टेक्सटाइल्स और ज्वेलरी के मालिक की बेगम हूँ मैं. अच्छा, ऐसा क्या? आप हिजबुल्ला की वाइफ हैं? आप क्यों मैडम खुदकुशी करना चाहती हैं? अपने शोहर से मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ. पर ये तो अच्छी बात है. यही तो प्रॉब्लम है. हाँ? क्या प्रॉब्लम? मेरे शोहर किसी दूसरी औरत के साथ कुच्ची कुच्ची कर रहे हैं. वो तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मरने आई थी. लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने अपनी कजरारी आँखों से देखा. मेरी सौतन रोज शाम को 7 बजे दुकान पे आ जाती है. मेरे शोहर अपनी शाम रंगीन करने के लिए उसके साथ चले जाते हैं और कोई संगीन काम करके लौट आते हैं. मैडम, आपके हस्बैंड एक बिजनेसमैन है, हो सकता है कि वो उनके साथ बिजनेस मीटिंग पे जाते हो. अकेली औरत के साथ ऐसा कौन सा बिजनेस होता है बताइए तो. वो अब मतलब अब, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने पति से बैठ के बात करें. बैठ के क्या, मैंने तो खड़े खड़े रह के भी बात की. हाँ, तो लेकिन मन में डर बैठ गया कि कहीं मुझे तलाक न दे दे. हाँ? जब से इनकी ये गैर कानूनी हरकतें पता चली मैं कानूनी गाड़ी ढूंढ रही हूँ मरने के लिए. मेरी 11 औलादे हैं. हाँ, हम लोगों में इतना प्यार था कि पता ही नहीं चला कब 11 औलादे पैदा हो गई. हाँ, 1.5 साल का, 2.5 साल का, 3.5 साल का और इस तरह गिनती बढ़ती ही चली गई. इतने में बिजनेस का टाइम मिल जाता है. सब ऊपर वाले की देन है. अच्छा, रोइए मत, रोइए मत. ये लीजिए, आप पूछिए. बेचारी. ये सेम्बुड़ वाला रुमाल वापस
पर्स चाहिए? नहीं नहीं, आप रखिए, मैं खरीद लूंगा। रख लेती हूं। अच्छा, मैं निकलता हूँ फिर। ये देखिए, 7 बज गए हैं ना, तो आपको वहीं ले चलता हूँ मैं। मरवाना चाहते हो क्या मुझे? वो मुझे पहचान लेंगी तो? अरे कोई नहीं पहचानेगा, पर्दे में है ना, मैं भी नहीं पहचानूंगा। क्यों लूं? बहन जी, मैं आपके खानदान को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ और आप पब्लिक, पुलिस जनता के लिए ही तो है। प्लीज कम। हेलो। हाँ देखो, दगाबाज बलमा मरून कुर्ते में आ रहा है क्या? हाँ आ रहे, आ रहे। हाँ मैंने उसे समझा दिया। बोरे। हाँ और सुनो। अच्छा, लाइफ में दूसरा मोबाइल ले लिया और पहले मोबाइल को डिस्चार्ज कर दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल का ये तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? जितने लफड़े उतने फोन। मतलब हाय दैया, मैं लूट गई। प्लीज इमोशनल मत हो ये, प्लीज। जिसकी लाइफ का मोशन रुक गया हो, वो इमोशनल कैसे ना हो? घड़ी में बजते ही साथ दोनों पकड़ेंगे एक दूसरे का हाथ और मुझे मारेंगे लात। मेरे डूबती हुई जिंदगी का लाइव टेलीकास्ट देखो। मैं देख रहा हूँ। पलक मत झपकाना। ये पलक कौन है? तुम्हारे बटाटे जैसी आंखों के ऊपर जो छिलका है ना, वो। हाँ डार्लिंग, पहुंच गई। अरे बाहर देखो ना, कैसे मेरी मोहब्बत के ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ रहा है। नजरें मत हटाना, होशियारी से मिस्टर जेम्स बॉन्ड। अरे किसने मेरे फुटबॉल पे लात मारी? अरे ये कौन सी अंधेर गली में आ गई? अरे बाहर निकालो मुझे। बहन जी बोल के मुझ पे चांस मार लिया। ऐसा मत बोलिए बहन जी, मैं तो ड्यूटी कर रहा था, मेरा पैर भी चल गया। ड्यूटी से ये ब्यूटी डर गई ना। सुभान अल्लाह, कयामत है ये तो। आज तो जान ही ले लोगी हैं। देखा उसके आते ही उसका हाथ कहाँ पहुँचा? इन्हें कर्ल्स क्यों करवा लिए? सीधे रखती ना। हिजबुल्ला बेचारा करे भी क्या? क्या बका? मेरा मतलब हिजबुल्ला ऐसा कैसे कर सकता है? इसे जेल में डाल दूंगा। चिपकली की तरह उसे चिपक रही है। ये सब देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल ले जाऊं आपको? नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं, उनके कैबिन में ले चलो प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है, मैं लेके जाता हूँ आपको, रुकिए यहाँ पे। कुछ काम। हेलो हेलो हेलो। हाँ कहिए सर। ये इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता इन्हें ऑफिस में बैठाओ। पर ये तो आप ही हैं। अबे मैं पुलिस वाला हूँ, मैं इनकी बात कर रहा था। ओ सॉरी सर, आइए मैडम प्लीज इस तरफ जाइए। बहन जी उन दोनों पे नजर दिखाए रखना, जाइए मैं देख लूंगा। तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, मोटी हो जाएगी तो इसको भी छोड़ देगा। फातिमा बेचारी दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो तुम्हारी आंखें, इन मुलायम होठों को मैं साफ कर देता हूँ। गिरा हुआ आदमी, छी। तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है जी, बाय। मिस्टर हिजबुल्ला। यस yes? मैं DYSP फिलिपोस। हाँ जी बोलिए। यार कैसे आदमी हो आप? आज आपकी बीवी जिंदा है तो ऊपर वाले की दुआ से। आज आपकी वजह से मेरी गाड़ी के आगे आत्महत्या करने वाली थी, जानते हैं आप? मेरी बेगम? हाँ मेरी वजह से। ऊपर वाले की दी हुई इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर ऐसी बाजारू औरतों के साथ घूमते हुए आपको शर्म आनी चाहिए, वो भी इस उम्र में। जबान को लगाम दो, पुलिस वाले हो इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं। जो औरत यहाँ से गई ना, वही मेरी इकलौती बेगम है, फातिमा। नो, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मिनट, ये देखो हमारी शादी की फोटो, यही है मेरी बेगम फातिमा। तो वो फातिमा कौन थी? सॉरी बहन। थैंक यू। अरे क्या हुआ, अंदर क्यों जा रही है? आइए आइए। अब इधर क्या लोचा हो गया? सर ये मैडम को थोड़ी देर यहाँ बैठने दीजिए। कौन से मैडम? आदाब अर्ज़ है जनाब। बैठिए ना। आपकी तारीफ। खुद कैसे करूं? मुंह से। मेरा नाम है मिस्टर लेली। वाह क्या जो के नाम रखा है। लेली प्यास बुझाओ ना। अभी बुझाता हूँ। अरे सुनो, एक गिलास पानी देना। बढ़िया है, देख लिया। अब लेली दीदी, खड़े क्यों हो गए? होना पड़ा। नॉटी बॉय। बैठ गया। आओ। हाथ मत हटाओ ना। ना। हाथ हटा, चल, चल। मैं पिला दूंगा, तुम जाओ, निकलो निकलो। पीजिए, थोड़ा तुम पियो, थोड़ा मैं पीता हूँ। बस भी करो, इतना करीब ठीक है।
वो बाहर आ जाएगा। ये कहां से बाहर आया? अंदर से। सर 25 बिस्किट का ऑर्डर आया है और यहाँ तो आपको पहले ही ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। एनर्जी फुल हो जाए तो बाहर आ जाइएगा। कौन से बिस्किट की बात कर रहा था और वो कहाँ छुपा कर रखे हैं? वो खाने वाली बिस्किट नहीं है। चल बैठ जा, छूटे कहीं के। I am from intelligence. सोने के बिस्किट्स कहाँ रखे हैं? तुम्हें जितना चाहिए ले जाओ, उसमें इतना गर्म करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पाप लगेगा। मुंह बंद रख वरना ठोक दूंगा। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो भी आता है मुझे लेके जाता है। ये क्या बात है? बड़ा बिस्किट खाने वाला। ये लो एक और डिब्बा, और ये आखिरी वाला है। ये तो पूरा लॉकर लेके घूम रहा है। अंदर पूरा खजाना है, देखना है क्या? एक बात कहूँ, तुम्हारा पैकिंग बहुत बढ़िया है लेकिन अंदर की चीज बहुत ढीली पड़ गई है। Just shut up. इतना ही था ना? हाँ, इतना ही। अपने बॉस से कहना बॉक्सर आया और सारे बिस्किट्स खा गए। इन बिस्किट्स के साथ इस कुत्ते को भी ले चलो, अगर बॉस को पता चला ना तो वो मुझे मार डालेगा। तो मैं ही तुझे मार देता। बढ़िया सुगंध है। ये क्या हो रहा है? हेलो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये भी टपका। कैसे लोग हैं, दोनों यहाँ छुप छुप के मजे कर रहे हैं, मुझे बुलाया तक नहीं। मुझे ग्लूकोज बिस्किट खिलाकर ये दोनों यहाँ क्रीम बिस्किट खा रहे हैं। मैं बॉस को कंप्लेंट करूंगा। छे! च्युइंगम। कल जो पैसा चुराया वो जोगी कामली को कुवैत बिजनेस डील में मिला एडवांस था, बाकी पेमेंट बाद में लेके जाऊंगा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 किलो सोना ले जा रहा हूँ। मैं बर्बाद हो गया। एक सलाह देता हूँ, पुलिस के अंदर इमोशन आया तो समझो उसका डिमोशन। आपका प्यारा चेक। एक तो सोना ले गया, ऊपर से ज्ञान भी दे रहा है। शट अप, कॉमन सेंस नाम की चीज है या नहीं? आदमी औरत बनकर आया और तुम्हें भनक तक नहीं लगी? सर असल में वो इतना कन्विंसिंग लग रहा था ना कि मुझे पता ही नहीं लग पाया कि बुरके में आदमी था। मुझे उसकी आवाज से भी पता नहीं चला। बेवकूफ कहीं का। सर उसने आवाज भी बिल्कुल औरतों वाली ही निकाली थी। मिनिस्टर साहब पूछेंगे कि हाथ आया चोर कैसे निकल गया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही कि तुम उसकी आवाज नहीं समझ पाए। सर मिनिस्टर आपके जीजा जी लगते हैं ना। ओ यू शट अप। अरे 1 किलो क्या, 1 ग्राम सोना भी चोरी नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी सर। यस डैनियल, टेल मी। अब तक ये एक वन वे चेस था, हम लोग उसे फॉलो कर रहे थे। अब दो तरफा रास्ता बन गया, अब वो भी हमें फॉलो कर रहा है। देखिए, उसे पता लग गया है कि मैं हाल ही में इस टीम का हिस्सा बना। ये तुम कैसे कह सकते हो? सर उसका लिखा हुआ जो लेटर हमें मिला है, उसे च्युइंगम से चिपकाया गया था। ओह, मुझे च्युइंगम चबाने की आदत है, यू नो दैट। करेक्ट सर। अब हमको क्या करना चाहिए? इंतजार उसकी आने वाली अगली चाल का। हाय सुश, कैसे आना हुआ? चूहों के साथ टॉर्च टॉर्च क्या खेल रहे हो? बस ऐसे ही। चूहों का लाइफ साइकिल कभी पढ़ा है? नहीं। सबसे फास्ट रिफ्लेक्स वाले स्पीशीज में से एक है ये। अच्छा। देखो एग्जांपल, नट्स फेंकते ही झट से खा लिया। हाँ। अब नट्स की बजाय मैं लेजर लाइट ऑन करूंगा, देखो। अरे वाह, वो नट्स समझकर लाइट का पीछा कर रहा है। अरे नट के पास आने के बाद भी वो लेजर लाइट को फॉलो कर रहा है, ऐसा क्यों? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर चूहे बोल पाते तो खुद ही बता देते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैसे इस रिसर्च का फायदा क्या? रिसर्च नहीं है, टाइम पास है। खैर छोड़ो, वो जोगी कामले की ब्लैक मनी का क्या हुआ? पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ किया था ना। फिर क्या हुआ? फिर क्या, कुछ भी नहीं हुआ। शाम। जी साहब। इन चूहों को पिंजरे में रखो। ओके साहब। अब बताओ आइसक्रीम कौन खिलाएगा? मैं और कौन? ठीक है तुम्हारी ट्रीट। जोगी कामले के मैटर में तुम पूरी तरह से फेल हो गई हो। चलो एक मौका और देता हूँ, शायद इस बार लक तुम्हारे साथ हो। I'll show you one thing. देखो, ये क्या है? फूल। बस फूल ही नहीं, ये जोगी कामले का पैसा है। ये देखो, ये है ग्लास। इस ग्लास को मैं फूल के ऊपर रख दूंगा। अब बताओ, फूल बाहर कैसे निकलेगा? बस ऐसे ही। अरे रुको, मेरी बात तो पूरी होने दो। अब ग्लास को उठाए बिना, छुए बिना या तोड़े बिना फूल को बाहर निकालना है। टचिंग नॉट अलाउड। बहुत सिंपल है। क्या ये? तुमने तो कहा था हाथ नहीं लगाना। तो ये क्या लगा है? तो और क्या लगाऊं? यहाँ रखी कोई भी चीज यूज कर लो। हाँ? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो मैं फुल छूट देता हूँ। जो करना है करो।
देखो मेरा कमाल। अब क्या करूं? तुम क्या मुझसे पूछ रही हो? तो और किससे पूछूंगी? अब ग्लव्स पहने लिया है तो बाहर गोबर है उसे उठाओ और पौधों में डाल दो, खाद बन जाएगा। कितने मीन हो तुम। लगता है केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। फूल तो बायोलॉजी का हिस्सा है ना। फूल बायोलॉजी में नहीं, बॉटनी में आता है। लगता है पैसे देके पास हुई थी। चलो दिमाग पर जोर डालो, सॉल्व करो। अब तुम ही बता दो, मुझे नहीं पता। हार मानती हूँ। ओके देखो, थोड़ा सा लिक्विड लो, ग्लास पे ऐसे फैलाओ। अब मैंने ग्लास को ना ही छुआ है और ना ही तोड़ा है, आराम से फूल बाहर। तो कैसा लगा जादू? द मैजिक ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये देखो, जोगी कामड़े का पैसा आसानी से बाहर। अच्छा तो इसीलिए तुम्हारे घर में केमिस्ट्री की बुक है? हाँ? तो बाहर चले आइसक्रीम खाने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ए सुष्मिता। हाँ? जाओ जाके डॉक्टर से मिल लो। क्यों, वो किस लिए? तुम्हारी खूबसूरती कुछ ज्यादा ही निखर रही है। हे। पता नहीं, शायद ये मेरा वहम। ये इतना बड़ा पिंपल, इसी खूबसूरती की बात कर रहा था क्या? बड़ी जल्दी समझ जाती हो। चले। नाइस। उस लड़की को देखो, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। हे, अचानक मत देखो, आराम से देखो। सही का, बहुत खूबसूरत है, पर उसकी आंखें लगता है किसी का इंतजार कर रही हैं। किसका? मेरा तो नहीं। लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है, लड़की अकेली दिखी नहीं कि उसके बारे में गॉसिप करना शुरू। मेरा जजमेंट कभी रॉन्ग नहीं होता। ओह गॉड। पर तुमने इतना सही अंदाजा कैसे लगाया कि वो किसी का इंतजार कर रही थी? याद करने की कोशिश करो, वो आइसक्रीम कैसे खा रही थी। एक्चुअली वो आइसक्रीम खत्म करना ही नहीं चाहती थी। चम्मच में आइसक्रीम एकदम ना के बराबर भर के खा रही थी, ताकि जिसका इंतजार है वो भी आ जाए और वो दोनों साथ खा सकें, प्यार की बातें करते हुए। नाइस ऑब्जर्वेशन। आसपास नजर रखोगे तो इंटरेस्टिंग चीजें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे राइट साइड में पीछे की तरफ देखो। मुझे मिस करते हो ना? वो तो मियां बीवी हैं। नहीं, they are lovers. नहीं यार, वो मियां बीवी ही हैं। बीवी तो है, पर किसी और की है, और वो उसका लवर है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। ये 100% सक्सेसफुल होगा। ओके, हेलो, कैसे हैं सर? मैं लंच करने स्काई ग्रीन रेस्टोरेंट आया हूँ। यहाँ पर मैंने तुम्हारी बीवी को देखा, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है। जल्दी आओ और अपनी बिखरती जिंदगी को संवार लो, मैं उन पर नजर रखता हूँ। जल्दी आ जाओ। मुझे तो लगा एक ही थी, लेकिन बहुत सारी थी। यार तुम सच में सुपर इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा वाकई कोई जवाब नहीं। उसका भी एक सीक्रेट है, जिंदगी में कुछ ऐसा करो जो तुमने कभी ना किया। इससे क्या है ना, लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और जीने का मजा फुल चार्ज्ड दुगना हो जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है, अगर खूब सारा पैसा हो तो लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। अगर असली खुशी पाना चाहते हो तो दूसरों की मदद करना सीखो, और मदद के कई रूप हो सकते हैं, अनजाने में ही सही। जब आप किसी की मदद करते हो तो सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर आती है और आपको एक खास एहसास होता है। कभी आजमा के देखना, पता चलेगा। तुम तो एकदम संत जैसी बातें कर रहे हो। चाहो तो आज ही ट्राई करके देख लो। अच्छा ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मैं कल ट्राई करूंगी। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। चिट्ठा नहीं है। ठीक, फटी हुई नोट, 100 का नोट देती हूँ। ओ नौटंकी, तुम चल सकते हो? लोगों को बेवकूफ बनाते हो, फटी हुई नोट के लायक हो। जरा ये एड्रेस बताना। सिस्टर कहाँ जाना है? बेथनी कॉन्वेंट। अच्छा, वो यहाँ पे। मैं बताती हूँ ना। ये राइट। चलो। दीदी,
थोड़ा पानी मिलेगा? प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। नहीं नहीं, बॉटल नहीं चाहिए, छोटा सा पैक बनाना। हाँ हाँ, ले लो ले लो। बस बस, अरे पूरा तो भरने दो। स्ट्रॉन्ग पीने की आदत है। अरे शेर तो नहीं सीखा। ये अच्छा मौका है, इसे हेल्प करती हूँ। चलिए बेटा। मेरी मदद करने के लिए तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा भला करे। तो तुमने आज वो फीलिंग महसूस की ना? जानता था आज मेरा एक डाउट क्लियर हो गया। कौन सा? डॉक्टर के पास जाने वाली बात, तुम्हारी खूबसूरती की निखार को लेकर कहा था ना, आज क्लियर हो गया। तुम्हारी सुंदरता अब वाकई। हेलो, पीलो पीलो। ये नायर सर हैं, मेरे सीनियर। हेलो, हाय सर। ये सुष्मिता मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या है? मतलब गर्ल में फ्रेंड है ना। क्या हुआ मैडम? जैक, जैक, इन फूलों के साथ ये कहाँ जा रहा है? भैया उस गाड़ी का पीछा करो। हाँ मैडम। भैया थोड़ा तेज चलाओ ना। कमांडोस, फ्लैग हैंड ओवर करेगा। हमें अब चलना चाहिए। सुनो, जाते समय दरवाजा बंद कर देना। जी सर। हाय सर। हाय सुष्मिता, लुकिंग गुड। बैठो सर। सो कुछ बताना था तुम्हें, इसीलिए बुलाया। तुमने सही कहा था, जैक का इंडियन आर्मी के साथ कनेक्शन है। ही इज एन एक्स एनएसजी कमांडो। एनएसजी कमांडो? Very intelligent. खतरनाक। मजबूत इरादों वाला। उसका बड़ा भाई वो भी एनएसजी ऑफिसर था। जैक जब छोटा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। उसके बड़े भाई ने ही उसकी पढ़ाई लिखाई कराई, उन्हें पाला पोसा और उसे आर्मी में भर्ती कराया। जैक के लिए उसका भाई, भाभी, बच्चे, यही उसकी दुनिया थी। फिर सब खत्म हो गया। एक दिन खबर मिली कि उसके भाई की मौत हो गई, शायद टेररिस्ट अटैक हुआ था। उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया था। उसके बाद जैक को कब देखा था? एक साल बाद देखा था, जब उसकी भाभी की मौत हुई थी। वो भी गुजर गई? हाँ, पिछले साल। पर वो नेचुरल डेथ नहीं थी, आत्महत्या थी। सुष्मिता तुम्हें याद है तुमने मुझे एक फोटो भेजी थी मिस्टर जी के नायर की? यस सर। वो एक ट्रस्ट चलाते हैं, इंडियंस फॉर इंडियन आर्मी। ड्यूटी पर घायल होने वाले सोल्जर्स और शहीदों की फैमिलीज, ऐसे सभी लोगों की ये ट्रस्ट मदद करती है। ट्रस्ट इतना बढ़ गई है कि वो बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स सक्सेसफुली चलाने लगी है।
पर पॉइंट ये है कि जैक के नायर से मिलने के बाद ही ये ट्रस्ट इतने बड़े स्केल पर काम करने लगी है। बात शीशे की तरह साफ है। जैक की डकैतियों और ट्रस्ट की तरक्की के बीच 100% कनेक्शन है। ट्रस्ट का पैसा कहां से आता है और कैसे आता है ये बताना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सो, जैक को अगर जेल भेजना है तो उसे रंगे हाथों ही पकड़ना होगा। सर, देखा जाए तो वो एक अच्छा काम कर रहा है। वैसे सोचें तो अच्छा काम है, पर बदकिस्मती से हम और तुम आम लोगों की तरह नहीं सोच सकते, बिकॉज वी आर कॉप्स। सॉरी सर। नहीं, इट्स ओके। इसकी डेटा एंट्री कर देना। हाँ हीरो। हेलो सर। सब ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है। मीट आईपीएस सुष्मिता। हाय। हेलो मैम। जानता हूँ क्या सोच रहे हो। जुड़वा बहने नहीं है, वही है। वैसे मैंने एक बार सोचा भी था कि तुम्हें बता दूं, पर उस वक्त मुझे तुम पर उतना भरोसा भी नहीं था। क्या सर? मजाक कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग। इट्स माय ड्यूटी सर। गुड जॉब। सी यू मैम। सी यू। और फिलिप्स। जी सर। इन दिनों मैंने लोगों से काफी झूठ बोले हैं, तो चर्च जाके कन्फेशन करना है। कन्फेशन क्यों? ऐसे लुक दे रहे हो जैसे मैं हमेशा ही झूठ बोलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर। दैट्स ओके। अच्छा एक बात, ये सुष्मिता के बारे में और किसी को मत बताना। श्योर सर। ओके गुड। माय डियर चिल्ड्रन, ईश्वर की कृपा और दया दृष्टि की बारिश आप पर सदैव बनी रहती है। प्रभु के पुत्र ने हमें एक बात सिखाई है, इंसान जैसा बोएगा वैसा ही वो काटेगा। अच्छा करोगे अच्छा ही पाओगे, अच्छे कर्म करने से ही अच्छे फल मिलेंगे। प्रभु सदा आपके साथ रहे, उसकी कृपा आप पर बनी रहे। मे द ऑलमाइटी गॉड द सन एंड द होली स्पिरिट ब्लेस यू। आमीन। हाय सर। कैसी रही फादर की स्पीच? गुड, अच्छी थी। एक बात सही कही उन्होंने, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, है कि नहीं? वैसे परिंदे दाना चुगते हैं बिना कुछ बोए। वो परिंदे हैं। एनीवेज, आई एम डैनियल अलेक्जेंडर। आई नो यू। मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए एक बुरा सपना, बहुत खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सीबीआई में हो, स्पेशल डेप्यूटेशन पे इस शहर की पुलिस के लिए काम कर रहे हो, करेक्ट? करेक्ट। बहुत कुछ जानते हो? क्या मेरे बारे में जानते हो? कम जानता हूं, पर काफी है। क्या अपने प्रोफेशन से खुश हो? ये पूछने की कोई खास वजह? वो क्या है कि जब एक भ्रष्ट राजनेता जबरदस्ती अपनी टांग अड़ाता है, प्रेशर देता है। प्रेशर? चाहे पॉलिटिशियन हो या फिर चोर हो, प्रेशर देने का काम मैं करता हूं। तुमने चीते को शिकार करते हो देखा है? शिकार के दिखने तक इट्स स्लो, एक बार घात लगा ले तो बिजली की तेजी से छलांग लगाता है, शिकार बच नहीं पाता। शिकार कमजोर हो तो ना, अगर शिकार कुछ ज्यादा ही फुर्तीला हो तो चीते पर पलटवार करता है और कभी हार नहीं मानता। जैक, मेरी एक बुरी आदत है, मैं पीछे नहीं हटता, ठान लिया तो शिकार मार कर ही रहता हूं। इतना यकीन? 100%।
गुड लक। लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण कुमार की कश्मीर में टेररिस्ट द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके अंतिम क्रिया के लिए उनका शव उनके घर लाया गया है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल तुम किसी शहीद की क्रिमेशन में गए थे ना? किसने बताया? न्यूज चैनल में देखा था, तुम्हें और नायर सर को भी। हाँ। तुम्हारा कोई करीबी था? जरूर कोई खास दोस्त होगा, है ना? अब पूछ के भी क्या फायदा। उसकी शादी को 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे। किसके लिए शहीद हुआ हो? कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मैटर नहीं था। मेरे और तुम्हारे लिए जान दी है उसने। हम जिस देश में रहते हैं उसकी हिफाजत कर रहा था। मेरा रिश्तेदार होता तब जाता, तब सही लगता ना तुमको? जैक, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। टीवी में देखा होगा तुमने, मीडिया वाले क्या ड्रामा कर रहे हैं। यही तमाशा देखने को मिलता जब कोई फौजी शहीद होता है। स्टेज पे खड़े होके माइक पे लोग शहीदों की भलाई के लिए डोनेशन देने का वादा करते हैं, पर क्या वाकई में वो पैसा शहीदों के घर पर पहुंच पाता है? किसी नेता ने जाकर पूछा? उनका बस चले तो स्टेज और माइक के पैसे भी इन शहीदों के विधवाओं और बच्चों से वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और उनकी बातों पर यकीन करके सरकारी ऑफिस में अगर काम मांगने गए तो वाइफ होने के सबूत मांगेंगे, बच्चे होने के सबूत मांगेंगे, फौजी के मरने के सबूत मांगेंगे। इतने नीचे गिर जाते हैं कि फौजी विधवाओं से सेक्सुअल फेवर मांगेंगे। क्या गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है कि कंपनसेशन डायरेक्टली शहीदों के घर पहुंचाए? एक फौजी देश के लिए जान देता है और बदले में क्या मिलता है? जैक, आई एम सॉरी। इंडियन आर्मी, एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद कर लेना तो किसी और देश के गुलाम बन जाएंगे हम। कभी सोचा है? ये आर्मी हमारे देश के रियल हीरोज हैं, लेकिन लोग उनका सम्मान नहीं करते। अरे किसी और देश में जाओ, लोग उन्हें इज्जत से सर कह के बुलाते हैं। हमारे देश में हर रिश्ते का एक डे होता है। चिल्ड्रंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, वैलेंटाइंस डे। क्या एक भी पॉलिटिशियन ने कहा या किसी सोशल एक्टिविस्ट ने सजेस्ट किया, इन लोगों में से हमारी जनता को एक बार भी किसी ने कहा कि आप लोग पूरा दिन नहीं, एक घंटा नहीं, सिर्फ एक मिनट हमारे शहीद जवानों के लिए सब लोग एक मिनट का मौन रखो, उन्हें दिल से याद करो? मुझे बस ये कहना है कि हमारे सिपाही की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो युद्ध में हो या फिर देश के लिए शहीद हो गया हो। खोलो भैया, उठो भैया, भैया उठो। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी पत्नी को नौकरी भी दी जाएगी। यहाँ का एमएलए होने के नाते इस बहन को अपने पांव पर खड़े होने में मैं हर संभव मदद करूँगा। उस एमएलए की बातों पर भरोसा करके भाभी ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए। ये एमएलए के लेटर से कुछ नहीं होगा, जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आके बात करना। इस लेटर के दम पे सर्टिफिकेट नहीं बनने वाला, पैसे तो काम हो जाएगा। सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और भी चाहिए, तो कम मिलूं। भाभी को समझ आने लगा कि ये सिस्टम एक शहीद की विधवा को किस नजर से देखता है। इतनी जिल्लत सहने के बाद अपने बच्चों के साथ भाभी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। खा ले बेटा, पहले भैया को खिलाओ, अब मुझे। यहाँ भी किस्मत ने भाभी का साथ नहीं दिया।
बच्चे किसी न किसी तरह सर्वाइव कर गए, लेकिन भाभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इनका ख्याल रखना। चाचू मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। आ जाओ। चाचू मत जाओ। चाचू। अच्छा बेटा, उस दिन के बाद सिर्फ उनके लिए ही जीता हूँ और उनके जैसे और अनाथों के लिए भी। साहब बस कीजिए, उन्हें भी देर हो रही होगी। I'm sorry. तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। I understand. तुम मेरे लिए स्पेशल हो। See you tomorrow. ये है मेरी दुनिया, यहां जितने भी लोग हैं मेरे अपने हैं। ज्यादातर लोग किसी ना किसी तरह डिफेंस से कनेक्टेड हैं। वो जो युद्ध में लड़ते हुए घायल हुए, शहीदों के परिवार, उनके बच्चे और भी ऐसे कई लोग। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, यहां सबके पास जॉब है। 130 एकड़ में फैले इस ट्रस्ट के अंदर और भी कई इंस्टीट्यूशन है। आओ दिखाता हूँ। आज के दिन यहाँ रहने वाले सभी लोग शहीदों को याद करते हैं। पति पावन सीताराम। आह कृष्णा जी, ये कृष्णा जी यहाँ के इंचार्ज हैं। ये सुष्मिता है। हेलो। इंस्टीट्यूशन देखने आई। ठीक है, चलिए मिलता हूँ। अरे दादी आप। लो बेटा चाय पी लो। सबकी फेवरेट दादी हैं ये। ये कौन है? ये सुष्मिता है, बाकी बात में बताऊंगा। बदमाश कहीं का। यहाँ तो एक अलग ही दुनिया है। देश के लिए शहीद होने वाले फौजी का परिवार बेसहारा ना हो, इसी सोच के साथ हमने इस इंस्टीट्यूशन की नींव रखी है। चाचू। हाय। चल चल जल्दी चल। ये दोनों मेरे भतीजे हैं। कम 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 कम। मुझे उठाओ। आराम से आराम से। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है सूरज और इसका नाम है नीरज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं थर्ड में हूँ और ये नर्सरी में। बड़े होकर क्या बनोगे? मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूंगा। मुझे भी। फिलहाल यहाँ तकरीबन 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं फ्री एजुकेशन। वैसे चाहें तो कोई भी करियर चुन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन सभी आर्मी में जाना चाहते हैं। यहाँ धर्म, जाति या पैसों का भेदभाव नहीं है। यहाँ सब लोगों की सांसों में एक ही नाम बसता है, सबका एक ही जज्बा है, इंडिया। हेलो। एक लंबे टूर पर चलें। पर कहाँ? जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो। चलो अब घर जाकर बैग्स पैक कर लो। फिर भी बताओ तो कहाँ। मुझ पर विश्वास करती हो? करती हूँ। सच में? ओके। तो फिर ज्यादा सोचो मत। सर जैक गोवा जा रहा है और वहां जाके वो कुछ बड़ा करने वाला है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने उसकी ट्रेवल डिटेल्स चेक की है सर। पिछले 6 महीनों में वो 9 बार गोवा गया है। ओह, हो ना हो कोई खास वजह होगी। सर तो हमको अब क्या करना है? सबसे पहले तो तुम्हें फ्लाइट बुक करनी चाहिए। विद योर परमिशन सर। ऑफ कोर्स। ठीक है। कैन आई हैव द कीज? हेलो। थैंक यू सर। तुम्हारी चाबी। थैंक यू। योर रूम, दिस इज माइन। ठीक है। वेलकम मैम।
कौन है सर? ओ हाँ बोलो। जैक सेम होटल में सेम रूम में ठहरा है जहाँ पहले भी रुका था। और तुम? मैं उसके ऑपोजिट रूम में। नहीं नहीं, तुम उसी के कमरे में रहो। उसके टारगेट का पता लगाना बेहद जरूरी है। ओके सर। Yes, come in. आओ, बैठ जाओ सुष्मिता। तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता जो यहाँ है? ये बाहर क्या देख रहे हो? बस ऐसे ही। पहले से गोवा काफी बदल गया है। ऐसा क्या बदल गया है गोवा में? जैसे उस ब्रिज को देखो, उसके आने से लाइफ इजी हो गई। और वो कैसे? लोगों को आने जाने में दिक्कतें कम हो रही हैं। हाँ। वैसे इस शहर की एक खास बात है, ये पहले जाने को कहता है और फिर आने को। वो कैसे? गोवा एंड गोवा। हाउ फनी। अच्छा एक जरूरी काम। कहाँ जा रहे हो? तब तक तुम अपने रूम में रेस्ट करो, चाहो तो यहीं रुक जाओ। यहीं रहूंगी, ये रूम ज्यादा बड़ा है। क्यों, स्क्वायर फीट माप लिया क्या? तुमने बताया नहीं कहाँ जा रहे हो। मैं आउटडोर गेम खेलने जा रहा हूँ, तुम इंडोर गेम खेलो। अरे सी यू बाय। अरे सुनो जैक। टेल मी सर, एक हफ्ते पहले जैक ने अपनी वैन गैराज में रिपेयर और पेंट करने दी थी। शायद उसमें कुछ भारी ले जाने वाला है। वैन का कलर क्या है? व्हाइट और येलो सर। सर जैक ने कल के लिए एक महीने पहले ही गोडाउन बुक किया था। गोडाउन का साइज क्या है? तकरीबन 25,000 स्क्वायर फीट तो होगा। ओके सर, अभी मैं ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में हूँ। जैक ने एक महीना पहले कल के लिए 24 कार्स बुक की थी सर। ओके वैन गोडाउन 24 कार्स। कुछ कनेक्शन दिखता है इनमें? एनी क्लू? नो सर। पर एक बात पक्की है, कल कुछ होने वाला है, क्योंकि कल ही का वो दिन है जिसके लिए गोडाउन बुक किया गया है। हेलो मैम, आपके कपड़े तैयार हैं। थैंक यू। IBM बैंक। यस सुष्मिता, जल्दी बताओ। सर, जैक के कमरे में अभी अभी 4 सिक्योरिटी यूनिफॉर्म स्टिच हुए आए हैं। जब मैंने उसे चेक किया तो उस पर IBM बैंक का लोगो है। फिर मैंने उसके बाइनोक्यूलर से बिना उसका फोकस चेंज के खिड़की के बाहर देखा तो मेरी नजर IBM बैंक पर पड़ी। ओके थैंक यू सो मच, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके सर। अब हमारे पास नए क्लू है। बैंक IBM। 4 यूनिफॉर्म्स, मतलब 4 लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। वेट 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 वेट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, शायद वो भी हमें ट्रैक कर रहा हो। व्हाट डू थिंक? नो सर, आई डोंट थिंक सो। नहीं, पर बैंक ही क्यों? उसका टारगेट तो ब्लैक मनी है। बट सर, व्हाइट मनी भी तो चुरा सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपने शहर में। इसकी संभावना बहुत कम है। कुछ और भी है इस IBM। प्लीज बैठो। थैंक यू सर। ब्रेक के बाद तुम्हारे लिए चाय या कॉफी मंगाऊं? नहीं सर, थैंक यू। दोस्तों, जवानी में मैं भी धासु स्पोर्ट्समैन था। लुक्का छुपी के साथ साथ लंगड़ी टांग का गेम भी खेलता था। 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता है मैंने। 23 साल पहले यहाँ मजदूरी करके इस बिल्डिंग की हिट से हिट बजाई है। सर, कल रवांडा होटल में ब्लैक मनी का एक ट्रांजैक्शन होने वाला है। जैक ने बताया था कि जोगी कामले को कुवैत कंपनी के साथ डील करने के एवज में एडवांस मिलने वाला है, और मैंने ये इन्फॉर्मेशन सीनियर इंस्पेक्टर हरी को दी है। कल जो पैसा चुराया वो जोगी कामले को कुवैत बिजनेस डील में मिला एडवांस था, बाकी पेमेंट बाद में लेके जाऊंगा। यस डैनियल, टेल मी सर, होम मिनिस्टर यहाँ गोवा आए हुए हैं, उनकी इस विजिट के बारे में आपके पास कोई डिटेल्स? मुझे रिलायबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है, एक डील के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ ब्लैक मनी का एक बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला है, इसकी इंक्वायरी करके मुझे बता सकते हैं सर? कैसे बताऊं डैनियल, पूछने पर बात घुमा देते हैं। खैर कोशिश करता हूँ। फिलिप। यस सर। एक काम करो, सारे 5 स्टार होटल्स में फोन करो और पता करो कि कुवैत से कोई बिजनेसमैन आए हैं। श्योर सर। इट्स अ प्रायोरिटी। ओके। हेलो, अरे 5 मिनट तो चैन की सांस लेने दो बाबा। कुत्तों की तरह तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे डाउट है कि तुम लोग ही मेरा पैसा चुरा रहे हो। सर तेरी क्यों चली,
मैं गोवा में मसाज करवाने आया तो? सर हमें पता चला है कि जिस चोर को हम ढूंढ रहे हैं वो इस वक्त गोवा में है। कौन सा चोर जिसे तुम नहीं पकड़ पाए? ये गोवा मेरी जन्मभूमि है। या मैं चोर से नहीं डरता, चोर मुझसे डरते और हफ्ता देखे जाते हैं बाबा। मैंने बंदोबस्त अपना कर लिया, थंडर फोर्स को रखिए। तुम अपनी फोर्स से कहो कि वो पिकनिक मनाए बीच पे जाके, कर लगा है। फोन रख रहे डैनियल। सर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। हमारी पुलिस फोर्स को उन्होंने दिल खोलकर कोसा और फोन काट दिया। ओह आई एम सॉरी। ठीक है मैं फोन करता सर। सर ये कुवैत वाली पार्टी होटल मेरिडियन में और मिनिस्टर साहब कल्चरल सेंटर के गेस्ट रूम में रुके हैं। आर यू श्योर? यस सर। यस 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 यस। नाउ द पिक्चर इज क्लियर। शायद ये मेरा एक अजम्पशन हो पर आई एम श्योर ओवरसीज से जो पैसा आया है वो होम मिनिस्टर जोगी ने आईबीएम बैंक के लॉकर में रखा है। वो अक्सर ऐसे ट्रांजैक्शंस करवाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल ये पैसा जोगी के पास पहुंच जाएगा और वो इसी के पेमेंट के लिए यहाँ गोवा आया है। तो उसने वैन का जुगाड़ क्यों किया? बैंक अक्सर बड़े कैश अमाउंट्स वैन से ही शिफ्ट करते हैं फिलिप। जैक उनकी वैन को अपने खुद की वैन से रिप्लेस करेगा, इसीलिए उसने वैन को बिल्कुल वैसा ही पेंट किया है ताकि दोनों वैन एक जैसी लगे। और वो 24 कार्स का क्या? पैसों को 24 लोकेशंस पे पहुंचाना चाहता हूं मेबी। और गोडाउन? उसी के अंदर वो अलग अलग कार्स में पैसे लोड करेगा। ओके। उस कैश थीफ को अगर रंगे हाथों पकड़ना है उसके अंदर से बाहर आने तक हम उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। खामोशी से उसका सारा खेल देखेंगे। ये सर। जैक वापस शहर लौट जाए। क्यों? बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं लग रहा। आज रात की फ्लाइट लें। ठीक है तो हम परसों की फ्लाइट में निकल जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कि हम गोवा क्या करने आए हैं। तुम्हें क्या लगता है बोलो? समझ नहीं आ रहा इसलिए तो पूछ रही हूँ। एक पुलिस ऑफिसर के सामने हर राज नहीं खोलना चाहिए। पुलिस ऑफिसर? या यू आर अ पुलिस ऑफिसर, जानता हूं बहुत पहले से। वो कैसे? सो सिंपल। याद करो उस दिन जब वो कैसीनो वाला 50,000 रुपया लेने के लिए आया था और तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। जैसे ही मैंने मुड़कर पीछे देखा तुमने अपनी पर्स से गन निकाली और फिर उसे वापस वहीं रख दिया। उसी वक्त मैंने रियलाइज किया कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो जो मेरी हरकतों पर नजर रख रही हो। I'm sorry. It's okay. आओ। Hey. Don't worry. मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तो फिर वापस चले जाओ वरना तुम पकड़े जाओगे। मैं एक फौजी हूं, एक बार अगर कदम बढ़ाया तो फिर पीछे नहीं हटता और अगर हटा भी तो चीते की तरह छलांग लगाने के लिए। सो बी कूल, तुम अपना फर्ज निभाओ और मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। एनीवे कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। हे सुश, अब भी तुम मेरे लिए स्पेशल ही हो। डायरेक्ट दिल से। क्या खबर है?
सर, अभी अभी जैक सरदार के गेटअप में बाहर गया है। पीछा करो उसका। यस सर। उस गाड़ी के पीछे चलो। जी मैडम। भैया बिल्कुल उसके पीछे रहो। जी। फिलिप। सर। सीन कुछ और ही है। क्या सर? पता नहीं। सर। बोलो। बहन आ रही है। सर। गाड़ी यही रोको। कॉल सुष्मिता। सर नॉट रीचेबल। ट्राई अगेन। नहीं लग रहा। ओके, एक काम करो, पता लगाओ कि लास्ट कॉल उसने कहां से रिसीव किया। श्योर सर। सुजीत, फिलिप बोल रहा हूँ, ये नंबर ट्रैक करो, 7907910047। ये नंबर कहाँ आखिरी बार ऑन हुआ था, उसकी लोकेशन चाहिए जल्द से जल्द। ओके कॉपी। फिलिप सर। हाँ बोलो सुजीत। सर पंजम टावर एरिया से 5 किलोमीटर दूर एक ललित म्यूजियम है, वहाँ का लोकेशन बता रहा है। ललित म्यूजियम में आज कोई एग्जीबिशन या फिर कोई फंक्शन है? सर कुवैत ऑर्गेनाइजेशन का एक डायमंड एग्जीबिशन चल रहा है। सर वैन तो जा रही है, उसे ब्लॉक करो। ओके सर। सुनो, हमें इस वैन को ब्लॉक करना है, सब लोग तैयार हो जाओ। 3 2 1। गाड़ी बंद करो, सुना? आउट आउट, चलो बाहर निकलो। चलो 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 बाहर निकलो। हेलो जैक। ए सुष्मिता, तुम कहाँ हो? ललित म्यूजियम पहुँचो। तो कहाँ कह रहे हो? ललित म्यूजियम। मैं तो इसकी गाड़ी के ठीक पीछे थी। भैया ललित म्यूजियम। क्या कर रहे हो साहब? माफ करना, वो सर। सर सर क्या हुआ? सर सर आप कहाँ हैं? सर नहीं मिला ना? नहीं नहीं वो नहीं। ललित म्यूजियम पहुंचो अपनी टीम के साथ, राइट नाउ। ओके सर। ओके सिक्योरिटी चेक करो, ये अलार्म क्यों बज रहा है? जाओ चेक करो, कहीं कोई चोरी तो नहीं हुई? कमॉन हरी आप, सबको बाहर निकालो। कमॉन मूव मूव मूव, देखना हर किसी की चेकिंग हो, बिना चेकिंग के कोई बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पैनिक ना करें, यहाँ चेकिंग हो रही है, हमारा साथ दें। चलो 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 उधर चेक करो। हेलो कंट्रोल रूम, रिपोर्ट।
रिपोर्ट बैक। धुआं कहां से आया? फायर क्लियर आउट। चलिए चलिए बाहर चलिए आप लोग। आग लगी है। मूव। म्यूजियम से बाहर निकलिए। बाहर चलिए आप लोग जल्दी। सिक्योरिटी सबको बाहर निकालो जल्दी। आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? आग लगी है। चलिए जाइए यहां से निकलिए। मैं सब संभाल लूंगा। जाइए आप लोग जल्दी कीजिए। आउट। तुम कौन हो? सबको कहो कि लाइन से बाहर निकले। हे सर। ठीक है तुम वहीं रहो। बी अलर्ट। यस सर। श्योर। गेट सिक्योरिटी सबको मैनेज करो। चलिए चलिए बाहर चलिए आप लोग। जल्दी चलिए जल्दी चलिए 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 कमोन मूव। जल्दी कीजिए जगह खाली कीजिए। जल्दी जल्दी बाहर चलिए आप लोग। हाँ वो नेकलेस। ओ माय गॉड। जल्दी निकलिए जल्दी। हाय सुष्मिता। जैक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पसंद आया तुम्हें? जैक तुम पागल हो गए हो क्या? पकड़े जाने पर कितनी बड़ी सजा होगी तुम्हें पता है? ये चोरी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए की है। तुम्हें ये नेकलेस पसंद आया इसीलिए मैंने इसे चुरा लिया। दिमाग खराब हो गया? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी यार। क्या सिर्फ इसी वजह से तुम एक दिन और यहाँ रुकना चाहते थे? तुम ही बताओ क्या करूँ इसका। सुष्मिता पकड़ो उसे। I'm sorry, Jack. You're under arrest. सॉरी सुष्मिता बाद में मिलते हैं। सॉरी सर। सर Hey, look! Hey!
पीछे हो चलो। मैं भाग रहा हूं सर। ग्राउंड टावर पंजिम 22nd फ्लोर, मीडिया के साथ तुरंत यहां पहुंचो। हाँ मैं मीडिया को लेकर आ रहा हूं। फिलिप बोलिए सर। पहुंच गए? हम रास्ते में हैं सर। अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम में पहुंचोगे? 5 मिनट में। 5 मिनट? जल्दी पहुंचो। ओके सर। ओके अब कहां भागेगा? मैं भी सोच रहा हूं कहां से और कैसे भागूं। चल आ जा। अभी नहीं, मैं 5 मिनट के बाद आता हूं। मैंने कहा 5 मिनट के बाद आता हूं। Okay, I'm coming. I am on the way. Oh.
अरे ये यहाँ कैसे? क्या करना है? किसी भी कीमत पे इसे भागने मत देना। अगर इसके हाथ सबूत लग गया तो हम सब अंदर हो जाएंगे। इस चूहे की बिल यही बना दे। जी सर। जैक, इतना सबूत काफी है, तेरा शो यही खत्म। ये तुम्हारे आदमी नहीं है? नहीं। तो फिर किसके हैं? होम मिनिस्टर जोगी कामले के। डैनियल, होम मिनिस्टर साहब, लगता है बुलावा आ गया। बाहर तशरीफ लाइए। इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है मैं जान चुका हूं। जैक, यहाँ दिवाली की मिठाई बट रही है क्या? क्यों आया यहाँ पे? आप बताएंगे ये सब क्या है? ये इलेक्शन लड़ने का पैसा है। चल अच्छा हुआ तू आ गया, इन सारे पैसों को शहर पहुँचाना है, समझा? पुलिस प्रोटेक्शन देके पब्लिक का पैसा मिनिस्टरों में बांटना है। हेलो, एक्सक्यूज मी, पहले ये बताइए यहाँ चल क्या रहा है? ये सारा पैसा है किसका? पहले गोल गोल बात करा तो समझ नहीं आया, अब सीधा बोलते तो भी समझ नहीं आया तेरे को। शार आप काहे बोल ले? जो पूछा है उसका सही सही जवाब दो। गन दिखा के डराता है, प्यार से बात नहीं कर सकता क्या? दिमाग का दही मत बना, तुझे बात नहीं समझ आ रही तो तेरे प्रिंसिपल को बुलाता हूँ। सीएम साहब जरा आके समझो इसे। अरे तुम क्या हुआ? सीएम साहब आपका वॉचमैन तो हम ही लोग को पकड़ रहे है। क्या बात है सर, सारे मिनिस्टर्स यहाँ मौजूद हैं? आप तो मुंबई जाने वाले थे ना? हाँ गया था, वहाँ का काम खत्म करके फिर गोवा वापस आया। इसने जो कहा वही करो, फालतू की बातें मत करो तुम। इन पैसों को यहाँ से बाहर निकालना है। आप भी नहीं की तरह बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता सर, इट्स इलीगल। ये तो मुझे मत बताओ, जो कहा है वो करो। नो सर, आई कांट डू दिस। आपको याद है क्या आपने कहा था कि जब भी अगली बार ब्लैक मनी दिखे उसे सीज कर देना? हाँ। तो आज एग्जैक्टली वही करने वाला हूँ, पर ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था। अपनी बकवास बंद करो तुम, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। मैं मुख्यमंत्री हूँ इस राज्य का। और मैं यहाँ का होम मिनिस्टर हूँ, मैं डिसमिस करूंगा। नहीं सर, आई एम फ्रॉम सीबीआई, आप ये नहीं कर सकते। केवल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही मुझे डिसमिस कर सकते हैं। सर, मीडिया वाले आ गए। बाप रे, मीडिया गई भैंस पानी में। लीजिए लीजिए, आइए आइए ना। देखिए यहाँ दरअसल एक ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन होने वाला था सर, इसके बारे में थोड़ा और बताइए प्लीज। आपके सारे सवालों का जवाब चीफ मिनिस्टर देंगे, वो वहाँ। इज ऑल योर्स। सर ये पैसा कहाँ था और कहाँ से आया? सर प्लीज बताइए, सारा ब्लैक मनी किसका है सर? फिलिप। यस सर। तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या बात कर रहे हैं सर, आप इन्हें तो फोन करके बोला था मीडिया लेके 22nd फ्लोर पे आ जाओ, दो बार कॉल किया आप। व्हाट आर यू सेइंग? मैंने कब कॉल किया? सर जब मैं नीचे पहुंचा मैंने फोन किया, आपने बोला आई एम कमिंग। मैंने कहा हाँ ओके आई एम कमिंग, आई एम ऑन द वे। जैक सर, लेकिन आवाज तो आपकी थी, मतलब स्टाइल भी आपका ही था। ही स्मार्ट। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर अच्छा हुआ तुम आ गए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मैं किसी काम से आया था तो यहाँ चला आया। सर, जैक की चिट्ठी। मिस्टर डैनियल, तुमने हमेशा से मुझे एक क्रिमिनल समझा, इसलिए जो भी कहूंगा शायद यकीन ना कर पाओ। नेकलेस को चुराना मेरा असली मकसद नहीं था, तुम्हें इस सिस्टम की असलियत दिखाना चाहता था। कहते हैं ना, पत्ता तोड़ना आसान है लेकिन जोड़ना नामुमकिन। वो नेकलेस मैंने पहले ही सुष्मिता के बैग में रख दिया था, उसे सही जगह पहुंचा देना। एनीवे, खेल में बहुत मजा आया, सी यू। सर उसके खिलाफ सबूत नहीं था ना, ये सबूत के तौर पर यूज करें तो अरेस्ट कर सकते हैं उसे। इसे हाँ देखो, ये मैजिक इंक है, हवा में 30 सेकंड रखने के बाद गायब हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 न्यूज चैनल। 2000 करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। जैक, इस घोटाले का पर्दाफाश किया है सीबीआई ऑफिसर डैनियल अलेक्जेंडर ने और डीवाईएसपी फिलिपोस और उनकी पूरी टीम ने। फिलिप सर,
2000 करोड़ हमारे कब्जे में है। इस सब को छोड़ के क्या जैक खाली हाथ गया होगा? हेलो, ऑल क्लियर, प्लीज इस तरफ। आप रुकिए, आप सब जाइए। सर, एक रास्ता है निकलने का, पर आपको सच बताना होगा। ये बताइए, आपको कितना मिलने वाला था? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आप हो, आप बता दो। 4000 करोड़, 2000 करोड़ यहाँ है और बाकी के पैसे नीचे एक एम्बुलेंस है, उसी में रखा है। अब नहीं है। क्या? जैक, मतलब वो भी गया? गवर्नर ऑफिस एंड सब मिनिस्टर्स को अरेस्ट करने की परमिशन मांगो। गुड लक। अरे सीएम साहब, आपके कुत्ते ने हमको ही काट लिया। ओ, जेल में ऐसी नहीं होता, कम से कम खाट और पंखा लगा देना बाबा। तुम यही ठहरो, मैं आता हूं। Hi. Good morning, Jack. Hi, Daniel. What a beautiful place. Congratulations. आज पूरा देश तुम्हारी तारीफ कर रहा है। भ्रष्ट सरकार गिर गई और फिर से इलेक्शन हुए, because of you only. अब तुम देश के सबसे दबंग ऑफिसर कहलाओगे, I mean most courageous officer. थोड़ा ओवर नहीं हो गया? स्टेट को बेवकूफ बना के 20,000 करोड़ चुरा लिए तुमने। Cool. Just curious, मेरी असिस्टेंट को इतनी आसानी से कैसे पटा लिए? चलो बच्चों इस तरफ से। मुझे अरेस्ट करने आए हो? देखो मिस्टर जैक, जिन्हें अरेस्ट करना था उन्हें मैं अरेस्ट कर चुका हूँ। इंडियंस फॉर इंडियन आर्मी बहुत नायाब सोच है, तुम्हारे बिना ये अनाथ हो जाएगा। एनीवेज, यहाँ पर मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, पर जाने से पहले तुम्हें ये देना चाहता हूँ। गुड लक टू यू। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, 5000 करोड़, पंजाब। डैनियल, इस मिशन को मिल के अंजाम दें। हाय फिल। सर, तुम्हारे साथ इस केस पर काम करके अच्छा लगा। थैंक यू सर। और एक इंपॉर्टेंट बात,